हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लिटरी माइंड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोएम गोबलिन मार्केट की, रिटन बाय क्रिस्टिना रोजेटी, जो कि 19th सेंचुरी लिटरेचर विक्टोरियन एज पोएट थी। तो बेसिकली इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है पहले मैं बता दूँ। फर्स्ट चीज़, इस 567 लाइन्स वाली पोएम में एक स्टोरी छुपी हुई है, उस स्टोरी को बताया जाएगा, यानी कि एक बेसिक सा प्लॉट तैयार करके आपको बताया जाएगा। दूसरी चीज़, इस वीडियो में आपको लाइन टू लाइन एनालिसिस की जाएगी 567 लाइन से। हो सकता है बीच में कुछ हार्ड वर्ड्स हों, वर्ड मीनिंग्स ऐसे हों जो आपको नहीं पता, या फिर कुछ हिडन मीनिंग्स निकल रहे हो लेकिन आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों ने पढ़ा उस पोएम को और समझ में नहीं आया, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही जगह पे हो। आपको इन चीज़ों की जानकारी दी जाएगी लाइन टू लाइन 567 लाइन्स। तो ये मेरा वादा है कि आपको ये पोएम जो है कम्प्लीटली अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। आपको स्टार्टिंग टू दी एंड देखनी है, कहीं पर भी वीडियो स्किप नहीं करनी, नहीं तो काफ़ी कुछ जो है आप मिस कर जाओगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। थोड़ा सा मैं प्लॉट बता दूँ क्या है इस प्लॉट इसमें। इस देखो, यहाँ पे जो है एक दो सिस्टर्स हैं, लॉरा एंड लिजी होती हैं। देखो, ये मैं पहले प्लॉट बता रहा हूँ, मैंने अभी कहा था मैं आप लोगों को प्लॉट बताऊँगा। इससे पहले फ्रेंड्स, और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, और दूसरी चीज़, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को अभी तक अगर अब नहीं किया तो आप लोगों ने, क्योंकि इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, यू नो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक से मैं अभी कह रहा था प्लॉट क्या है। तो इसमें दो बहनें हैं, लिजी एंड लॉरा। ठीक है, तो दो बहनें हैं, लॉरा जो होती हैं, ये दोनों क्या हैं, लिजी एंड लॉरा जो हैं आपस में एक साथ रहती हैं, काफ़ी इंटरेक्शन होता है, काफ़ी इन दोनों में बहनों में काफ़ी अच्छा प्यार होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़, ये गोब्लिन मार्केट क्यों मैंने कहा, गोब्लिन मार्केट क्यों कहा मैंने, गोब्लिन होता है भूत। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो ये गोब्लिन है, इस टाइप्स के कुछ भूत टाइप कह लो, या फिर अजीब से बोने बोने टाइप के, यानी कि स्मॉल साइज के कुछ क्रिएचर्स समझ लो, इस टाइप से समझ लो आप। तो ये क्रिएचर्स होते हैं, किस टाइप से ये टेम्प्ट करते हैं, टेम्प्ट मतलब किसी को लुभाने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा, बस ये समझ लो ये लॉरा है और ये गोब्लिन्स हैं। ठीक है, तो गोब्लिन मार्केट मैंने कहा इसे, गोब्लिन मार्केट, मार्केट मतलब कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ों का जो है कुछ चीज़ों का क्या होगा, खरीद बिक्री, सेल करोगे, बाय करोगे, बार्गेनिंग करोगे, सौदा करोगे, यही सब होता है ना मार्केट में। तो गोब्लिन क्या करते हैं, कुछ इस टाइप का ही बार्गेनिंग टाइप का बिजनेस करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, क्या करते हैं, ये अभी जानेंगे। पहले ही चीज़ समझाने की जो है मेरी कोशिश थी, ये मैंने समझा दिया, चलो देखते हैं अभी। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि लॉरा एंड लिजी जो है ये आपस में मिलजुल के रहते हैं, काफ़ी अच्छी दोनों क्लोज सिस्टर्स हैं, एक ही घर में रहती हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि लॉरा जो है एक दिन क्या हो जाती है, गोब्लिंस की क्राइस सुनती है, समर का सीजन होता है, ये गोब्लिंस सॉरी ये गोब्लिंस जो हैं अपने फ्रूट्स बेचने आते हैं। फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं कुछ सीजन, मतलब सीजनल होते हैं, तो कुछ ऐसे जो कि मतलब बिना सीजन के भी वो लाते हैं। मान लो आम का सीज़न है और आप कोई और से वहाँ पे फल लेके आ रहे हो, तो उस टाइप का भी ये लाते हैं। तो ये क्या करते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि कोई, मतलब आवाज़ लगाते हैं जैसे स्ट्रीट हॉकर्स देखे होंगे आपने। ठीक है, या फिर वेंडर्स देखे होंगे, जैसे वो आवाज़ लगाते हैं उसी टाइप से ये भी आवाज़ लगाते हैं और बुलाते हैं अपने ग्राहकों को। तो एक दिन क्या होती है, वैसे लॉरा एंड लिजी को पता है कि नहीं जाना नहीं जाना, मतलब कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, नदी के किनारे जो है ये आवाज़ लगाते हैं अपने फ्रूट्स को बेचने के लिए। लेकिन एक दिन क्या हो जाती है, लॉरा जो है अपने आप को रोक नहीं पाती, लिजी है ना इसको कितनी बार भी मना करती है, बहुत बार मना करती है कि नहीं यार उनकी आवाज़ नहीं सुननी हमें, उन बुलावों से हमें टेम्प्ट नहीं होना, हमें नहीं अट्रैक्ट होना उनकी आवाज़ से या फिर उनके सामान से। लेकिन फिर भी लॉरा जो है अपने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। देखो, यहाँ पे कंट्रोल ना करने का मतलब ये भी है, यहाँ पे दो इंटरपोलेशंस मिलेंगे आपको, या फिर दो टाइप से आप इसको समझ सकते हो। एक है जैसे सेक्सुअल इंटरपोलेशन भी है यहाँ पे, कि किस टाइप से सेक्सुअल जो डिज़ायर है एक बार नहीं रोक पाता इंसान, कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक है, और अगर यही चीज़ कंट्रोल हो गई, सेक्सुअल डिज़ायर अगर कंट्रोल हो गया, तो वो दुनिया में हर एक चीज़ पा सकता है। एक तो ये चीज़ है यहाँ पे, अभी निकल के आएगी, उभर के आएगी इस पोएम में। ठीक है, तो बाय द वे अभी स्टोरी में चलते हैं, फिर से कैरी ऑन करते हैं। तो लिजी मना करती है, लेकिन लॉरा अपने आप को टेम्प्ट नहीं कर पाती उनके आवाज़ से। तो एक दिन चली जाती है फ्रूट्स खरीदने, तो वो डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स दिखा के इसको टेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। लॉरा टेम्प्ट भी हो जाती है, सभी फ्रूट्स उसको पसंद आ जाते हैं लगभग। तो उसे अब मान लो पैसे नहीं है उसके पास खरीदने के, दिक्कत ही आ जाती है कि यार फ्रूट्स तो है, खाने का मन भी है, टेम्प्ट भी हो जाती है,
तो अब पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है तो वो क्या करती है, गॉब्लिन्स क्या कहते हैं उसे, कि तुम्हारे पास, कौन कहता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास तो गोल्डन हेयर है, तो वो तुम अपना थोड़ा सा हेयर काट के हमें दे दो। तो यहाँ से ना, यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स की इंटरपोलेशंस निकलेंगी, सेक्सुअल भी निकलेगा अभी अभी देखेंगे पोएम में। बाकी क्या करती है, वो अपने बालों का थोड़ा सा टुकड़ा काट के दे देती है, और बार्गेनिंग करने के बाद जो है फ्रूट्स जो है टेस्ट चख लेती है, सक करती है, जो भी करती है अभी पढ़ेंगे पोएम में। तो उसके बाद वो क्या करती है, टेस्ट चख लेती है। तो अब क्या होता है, वापस वो घर जाती है, तो वैसे वो जाने से पहले लिजी को भी अट्रैक्ट करती है कि यार लिजी तुम भी बाहर देखो कैसे बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब जो है एक बार देखो, अगर एक बार किसी चीज़ की लत लग गई, फॉर एग्जाम्पल एक एक अच्छा बच्चा जिसने पहली बार स्मोकिंग कर लिया, किसी ने उसको गलत राह दिखाई, पहली बार स्मोकिंग करने लग गया वो या ड्रिंक करने लग गया, अब मान लो उसको कहीं ना कहीं वो उस चीज़ की वो उस चीज़ के प्रति वो एडिक्ट अगर हो गया, वो तो उसी चीज़ को मांगेगा। तो सेम लोरा के साथ हो जाता है, लोरा भी एडिक्ट हो जाती है एक टाइप से समझ लो, और धीरे 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 अपनी हेल्थ को डिक्लाइन करने लगती है वो, और इतनी डिक्लाइन कर लेती है, इसकी डिक्लाइन किस लिए होती है, डिमांड करती है, डिमांड करती है कि लाओ मुझे लाओ दोबारा, मतलब लिजी से बार बार कहती है कि मुझे फिर से ला के दो ये जूस। अब प्रॉब्लम ये होती है कि गॉब्लिन्स की जो क्राई है, गॉब्लिन्स की जो चिल्लाने की आवाज़ है, लिजी तो अभी भी सुन पा रही है, लेकिन लोरा को अब नहीं सुन पा रही लोरा अभी। अब आप ऐसे समझ लो कि एक बार गॉब्लिन्स की कोशिश ये थी कि सभी को एक बार सेक्सुअली हरास करना है, या फिर सेक्सुअली थोड़ा सा वो करना है, एक्सप्लोइट करना है, तो लोरा तो हो चुकी है। अब तो उनको कोई उससे, लोरा से तो कोई मतलब नहीं है। अब लिजी पे अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि लिजी भी ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन लिजी के केस में क्या है, लिजी थोड़ी सी समझदार है। अब लोरा का दुख जो है लिजी को देखा नहीं जाता, लोरा को तो फिलहाल अब उनकी क्राई सुनी ही नहीं रही, उनकी आवाज़ ये तो लोरा को सुनी नहीं रही। अब लोरा को वैसे चाहिए भी जूस चाहिए, उसे टेस्ट तो करना ही है फ्रूट्स का जूस, ठीक है। फ्रूट्स का जूस भले ही यहाँ पे एक अलग से ही मतलब निकल रहा है, सेक्सुअल भी निकलेगा अभी, कि फ्रूट्स का जूस एक टाइप से यहाँ पे सेक्सुअल डिज़ायर को भी शो करता है कि नहीं मुझे और सेक्सुअल डिज़ायर चाहिए, इसको भी शो कर रहा है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल ऐसे समझ लो, अभी ऐसे ही कहानी के तौर पर ही समझ लो कि उसे और चाहिए, डिज़ायर उसकी बढ़ती जा रही है फ्रूट के जूस को लेके या फिर फ्रूट्स को लेके। अब लीजी क्या है, अपनी बहन की डिटेरियोरेटिंग कंडीशन को देख के रहा नहीं जा रहा उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार है इन दोनों के बीच में, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ पे फिलहाल जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, सॉरी, तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार होता है, तो ये रह नहीं पाती कि यार मेरी बहन को ऐसा क्यों हो गया है, ठीक है, मेरी बहन को ऐसा क्यों हो गया। उसका जो डिज़ायर देख के वो क्या सोचती है, यार चलो ठीक है, इसको अगर चाहिए ही, अगर इसे जूस चाहिए तो मैं लाऊंगी। वो फिर हिम्मत करके जाती है, अपनी बहन के लिए जाती है सिर्फ, क्योंकि उसने ना अपनी बहन की गिरती हुई कंडीशन को देखा, बहुत ज़्यादा वीक हो गई, बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गई। फिर लिजी जो है एक और लिजी क्या करती है, फिर एक दिन उन गॉब्लिन्स के पास जाती है उनकी क्राई सुन के। उसको ये होता है कि यार मेरी बहन को फ्रूट्स के जूस चाहिए ना, तो मैं जाऊंगी लेके आऊंगी, लेकिन वो ये सोच के जाती है कि मैं मेरी बहन की तरह ऐसे फूटी कौड़ी लेके नहीं जाऊंगी। वो पैनीस कुछ पैसे लेके जाती है, और उन गॉब्लिन्स उसे देखते हैं क्या करने लगते हैं, वो भी क्राई करने लगते हैं, नहीं आओ आओ मेरे वाला फ्रूट चखो, मेरे वाला फ्रूट चखो, सक करो जो भी करो, अभी देखेंगे पोएम में। तो ये सारी वो हॉकिंग्स करते हैं, मतलब चिल्लाते हैं, हॉकर्स टाइप के जो गॉब्लिन्स हैं चिल्लाते हैं, ठीक है, टेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अब क्या है, लिजी जो है उनके ऊपर पैसा फेंकती है, लेकिन गॉब्लिन्स तो थोड़े से सेक्सुअली हरास करने वाले समझ लो ऐसे थे, या फिर एक्सप्लोइट करने वाले थे लोग थे वो। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि वो भी हेयर, जैसे लोरा इसकी सिस्टर ने, लोरा ने हेयर दिया, और उसके बाद हमने इसे उसकी सिस्टर लोरा को सेक्सुअली हरास किया, उसी टाइप से हम इसको भी कर लेंगे, वो ऐसी सोचते हैं, वो गॉब्लिन्स की ऐसी सोच होती है, ठीक है। फाइनली ऐसा होता नहीं है कुछ भी, और गॉब्लिन्स जो हैं इससे ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, इसके कपड़े फाड़ देते हैं, ठीक है। और फाइनली जब इसके मुंह पे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि फ्रूट्स का जूस जो है गाल गाल के इसके मुंह में जानबूझ के ठूसा जाए, भरा जाए, ताकि ये फ्रूट का जूस पी ले, लेकिन ये इतनी ज़ोर से मुंह बंद करके रखती है लिजी अपना, कि
कि फ्रूट का एक भी जूस उसके मुंह से नहीं जाता और फ्रूट्स का जूस जो है पूरी बॉडी में फैल जाता है उसकी, क्योंकि जूस था और वो क्या कर रहे थे, इसको सेक्सुअली हरास करने की कोशिश कर रहे थे, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे। फाइनली लिजी सेफ होती है, भले इसके कपड़े वपड़े फट गए होते हैं लेकिन सेफ होती है, सेक्सुअली हरास नहीं कर पाते उसे ज़्यादातर, ज़्यादा नहीं कर पाते सॉरी, कपड़े वपड़े फाड़ देते हैं इसके, कोशिश होती है इनको उनकी कि इसको सेक्सुअली हरास किया जाए, सेक्सुअली परेशान किया जाए, एक्सप्लॉइट किया जाए इसका, लेकिन नहीं उतना खास कामयाब नहीं हो पाते वो, क्योंकि लिजी जो है एक ऐसी वीमेन के तौर पर शो किया गया है क्रिस्टीना के द्वारा, जो कि अडीग है, जो कि फेथफुल है, अपने पॉजिटिविटी है उसके अंदर कि नहीं, जब तक मैं चेस्ट हूँ, जब तक मैं पवित्र हूँ, तब तक मेरा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये इस टाइप से है लिजी, लिजी की जो मेंटेलिटी है ये इस टाइप की है। लॉरा जो थी, लॉरा ने अपनी चेस्टिटी खो दी उस टाइम पे, आप कह सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या है, जब उसके पूरे बॉडी पे जूस फैल जाता है, गोब्लिंस तो जूस फैला देते हैं जब वो उसके मुंह पे नहीं ठूस पाते, तो क्योंकि मुंह पे ठूस रहे हैं तो मान लो मुंह के किनारों से होठ जो होते हैं, मान लो ये जैसे होठ है ना, यहाँ से साइड से जो है पूरा जो है जूस पूरे बॉडी में फैल जाता है इसके, और फैला भी देते हैं वो जानबूझ के। अब ये वापस घर जाती है और गॉब्लिन्स जो है उसके ऊपर वापस वही वाला पैसा फेंक देते हैं जो लिजी ने उनके ऊपर फेंका था। फिलहाल ये लोरा है, लेकिन लिजी इसकी बहन, क्योंकि अभी तो ये लोरा को शो कर रहे हैं इस पिक्चर में। हाँ, तो लिजी क्या करती है, वापस से वो अपनी जो कॉइन लाई थी उसे ले लेती है, गॉब्लिन्स उसे फेंक देते हैं और अच्छा बुरा इसको सुनाने लगते हैं, ठीक है, कि टेम्प्ट नहीं कर पाई, जो भी है उनका फाइनल यही था, रिएक्शन ये होता है कि उसे उल्टा सीधा कुछ बोलने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, लिजी वापस आ जाती है और लोरा को घर पहुंचते ही लोरा को ऐसे कहती है कि तुम अब मेरी बॉडी को लिक करो, तुम मेरी बॉडी को चाटो, ठीक है। और वो चाटती है और उसका जो टेम्पटेशन होता है, उसकी जो चाहत होती है और जूस पाने की, और जूस पाने की, वो फाइनली शांत हो जाती है। और फिर कुछ दिनों बाद लोरा जो है मेंटली फिर से ठीक हो जाती है, उसकी वीकनेस दूर हो जाती है, फिर उसे समझ आता है कि जो उसने करा ये गलत है और उसकी बहन ने कितना बड़ा सेक्रीफाइस दिया। और ये सेक्रीफाइस लिंक किया जाएगा आपके बाइबल से कि किस टाइप से जीसस क्राइस्ट ने रिडेम्पशन दिलवाने के लिए अपने ही प्राणों की आहुति दी, ये इस टाइप से भी लिंक हो रहा है, ठीक है, पोएम में एक जगह लिंक होगा बाय द वे। तो लोरा को फील होता है कि यार लिसी कितनी बढ़िया, मतलब थिंकिंग है इसकी, कि इसने अपनी बहन के लिए अपनी जानों की परवाह ना किए बिना भी इसने मेरी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करी। तो लिजी के प्रति जो है लोरा की फीलिंग्स और बढ़ जाती हैं। अभी जो मैं कह रहा था ये लिक करती है, उसकी बॉडी को चाटती है, तो यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी का भी थोड़ा सा आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि नहीं यार, होमोसेक्सुअलिटी भी शो की गई है इस पोएम में, तो कह सकते हो ठीक है चाट रही है एक दूसरे के बॉडी को, लेकिन ये सिस्टरली लव है, मतलब बहन, दो बहनों के बीच में प्यार है। अब मान लो आपकी बहन बिल्कुल मौत के कगार पे है और उस टाइम पे आप यही करोगे ना, जो पॉसिबल होगा, जो वो चाहेगी आप वो ला के दोगे, तो सेम सिस्टरली लव जो है शो किया गया है। तो कुछ क्रिटिक्स का जो मानना है होमोसेक्सुअलिटी में भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत हो सकता है सही हो, लेकिन सिस्टरली लव भी है यहाँ पे, ठीक है। और फाइनली कुछ सालों बाद जो है ये ठीक हो जाते हैं, फिर अपना घर बसाते हैं और इनके कुछ बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, फिर उनकी वेल नरिश करते हैं इनको, ठीक है। और फिर लॉरा एंड लिजी, लॉरा जो है लिजी के इन कारनामों के बारे में बताती है अपने बच्चों को। तो फाइनली इस टाइप से जो है पोएम एंड हो जाता है। प्लॉट प्लॉट पार्ट अपना, मैंने सेकंड कहा था कि आप लोगों को बताऊंगा लाइन टू लाइन एनालिसिस, तो उसके लिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन एनालिसिस। कहीं पे भी अगर कुछ मिस हो जाए तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, ठीक है। मॉर्निंग एंड इवनिंग मेड्स हर्ड्स द गॉब्लिन क्राई, कम बाय आवर ऑर्चर्ड फ्रूट्स, कम बाय कम बाय। मॉर्निंग इवनिंग इवनिंग जो है ये गॉब्लिन जो है क्राई कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि आओ आओ ऑर्चर्ड फ्रूट्स पे आओ। देखो बहुत ही इजी लाइनिंग्स हैं जहाँ पे मेरे को लगेगा कि यार प्रॉब्लम है, बाकी पीडीएफ मैं ऑलरेडी, मैं ये जो पीडीएफ यूज़ कर रहा हूँ ये डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ लेना, ठीक है। बाय द वे लाइन्स इजी हैं,
जहाँ लगेगा मेरे को कि नहीं हार्ड वर्ड्स हैं, आई विल बी टेलिंग यू. ओके, बाय द वे, इफ यू स्टिल फील एनीथिंग दैट आई हैव मिस्ड, यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन कमेंट बॉक्स, देयर आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चन देयर. ओके, सो लेट्स गो अहेड. ये तो बड़ी आसान थी, किसी को भी समझ आ जाएगी. तो ये समझ लो कि गॉबलिन्स जो हैं उन्हें बुला रहे हैं. देखो मैंने अभी कहा था कि गॉबलिन्स, अभी बताया था ना प्लॉट में, गॉबलिन्स उन्हें बुला रहे हैं, अपने फ्रूट्स को बेचना है उन्हें, तो वो क्राई कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बुला रहे हैं एक दूसरे को, मतलब ग्राहकों को बुला रहे हैं. एप्पल एंड क्विंसीज, लेमन्स एंड ऑरेंजेस, प्लम्स अनपैक्ड चेरीज, मेलन्स एंड रेसबेरीज. देखो ये सारा आप पढ़ लेना, यहाँ पे वो सारे फ्रूट्स हैं, एप्रिकॉट, स्ट्रॉबेरीज, ब्लैकबेरीज, ड्यूबेरीज, क्रैनबेरीज, म्यूल बेरीज, पीचीज, ब्लूम डाउन, सॉरी ब्लूम डाउन चिक्ड पीचीज, वाइल्ड फ्री बोन क्रैनबेरीज. तो मतलब ये सारे क्या हैं, फ्रूट्स के. तो ये फ्रूट्स हैं उनके पास, मीठे मीठे, खट्टे खट्टे, जो भी फ्रूट्स हैं वो लेके आए हैं, वो उनकी ये नाम बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. ऑल राइप टुगेदर इन समर वेदर, और ये कह रहे हैं कि ये सारे जो फ्रूट्स हैं वो सारे क्या हैं, पक गए हैं, और ये समर का वेदर है, समर के बारे में बता रखे हैं. देखो यहाँ पे बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये कुछ ऐसे स्ट्रॉबेरीज वगैरह, एप्पल. देखो मैंने कहा था ना कि कुछ सीजनल फ्रूट्स हैं, कुछ अनसीजनल भी हैं. मान लो गर्मी के टाइम पे आपको, अभी तो चलो ठीक है, अभी के टाइम पे अभी पॉसिबल है, मान लो अभी तो कोल्ड स्टोरेज है दुनिया के पास, अभी तो आप, अभी आप जी रहे हो 2019 में, मान लो ये वीडियो अगर शूट कर रहा हूँ मैं, तो 2019 में तो कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल है क्या? उस टाइम पे 19th सेंचुरी में कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल थी? नहीं ना. तो यहाँ पे कैसे हम कह रहे हैं कि गर्मी का दिन है और एप्पल, एप्पल तो वो पॉसिबल ही नहीं है. एप्पल गर्मी के दिनों में एप्पल कैसे हो जाएगा फिर, अगर कोल्ड स्टोरेज इम्पॉसिबल नहीं है तो उस टाइम पे? अभी के टाइम पे तो आपको ठंड के दिनों में गर्मी की सब्जियाँ, गर्मी के दिनों में ठंड की सब्जियाँ, फल, सब कुछ मिल जाएगा, पॉसिबल है. आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी थी, है हमारे पास, लेकिन उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी. बाकी इन्होंने एप्पल को भी यहाँ पे शो कराया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कि ये ठंड के दिनों में आती है, और ये कह रहे थे कि अभी समर है, ठीक है. तो यहाँ पे ये चीज़ कॉन्ट्रास्ट हो रही है थोड़ी सी. चलो आगे देखते हैं, ज़्यादा कोई मतलब नहीं निकल रहा इससे कि ये बाकी ये फ्रूट्स हैं इनके पास बेचने लायक, जो जो ये लेके आए हैं, जिससे ये टेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, और इस बहाने से लोगों को सेक्सुअली, वीमेन जो है सेक्सुअली उनको हरास करने की, सेक्सुअली सेक्सुअली एक्सप्लोइट करने की कोशिश करेंगे. सॉरी फ्रेंड्स, इसके बाद ये क्या करेंगे, इन्हीं फ्रूट से सेक्सुअली कोशिश करेंगे उनको टेम्प्ट करने की, ठीक है. आई थिंक ये हो गया 17 to 24 लाइन नंबर. मोन्स दैट पास बाय, फेयर इवनिंग्स दैट फ्लाई, मोर्स मोन्स मोन्स एक्चुअली इज मॉर्निंग्स, फेयर दैट पास बाय, फेयर ईव्स, ईव्स दैट इज इवनिंग्स. मॉर्निंग भी पास हो रहा है, इवनिंग, फेयर ईव्स दैट फ्लाई, और इवनिंग तो ऐसे पास हो रही है जैसे उड़ रही है. कम बाय आवर ग्रेप्स फ्रेश फ्रॉम द वाइन, पोमीग्रेट्स फुल एंड फाइन, डेट्स एंड फाबुलेसिस, रेयर पियर्स एंड ग्रेन ग्रीन गेजेस, डैमसन्स एंड बिलबेरीज. फिर से कुछ फ्रूट्स के नाम कह रहे हैं कि ये हमारे पास हैं. द मॉर्निंग एंड इवनिंग मैंसन, देखो यहाँ पे देखा दे रखा है कि मॉर्निंग और इवनिंग जो है वो दिन रात जो है क्राई लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि ये फ्रूट्स हैं हमारे पास. कुछ फ्रूट्स ऊपर बताए गए ये रहे 5 to 16 लाइन नंबर्स में, फिर कुछ फ्रूट्स जो हैं रह गए जो यहाँ पे बताए गए हैं. मॉर्निंग एंड क्राई कह रहे हैं कि हम चिल्ला चिल्ला के इनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मॉर्निंग एंड नाइट जो है हम किसी को टेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सेक्सुअली हैरास करने की कोशिश कर रहे हैं. ये गोबलिंस की इनडायरेक्टली मेंटेलिटी जो है, गोबलिंस की जो सोच है पीछे गंदी वाली, वो सो हो रही है यहाँ पे, ठीक है. आगे आ जाते हैं, 1 मिनट. यस, लाइन नंबर 25 to 31. टेस्ट देम एंड ट्राई, करंट्स एंड गुजबेरीज, ब्राइट फायर लाइक बेरबेरीज, फिक्स टू फिल योर माउथ, सिट्रंस फ्रॉम द साउथ, स्वीट टू टंग एंड साउंड टू आई, कम बाय कम बाय. देखो ये सारे कह रहे हैं कि आओ आओ टेस्ट करो, मेरे पास करंट्स हैं, गुजबेरीज हैं, ब्राइट फायर लाइक बारबेरीज हैं, लाइक लाइक गौर करना, लाइक तो ये कह रहे हैं कि आओ आओ टेस्ट देम एंड ट्राई करंट्स एंड गुजबेरीज. तो ये मतलब ये कह रहे हैं कि आओ ये ट्राई करो इन्हें, ठीक है. और ब्राइट फायर लाइक, फायर लाइक, देखो मैं लाइक के बारे में बता रहा था, लाइक क्या है, सिमिली है, सिमिली आपको पता होनी चाहिए. सिमिली एंड मेटाफर कंपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, एंड यहाँ पे एक सिमिली है यहाँ पे, क्योंकि सिमिली में ही लाइक एज इन टाइप्स के वर्ड्स के द्वारा, इन टाइप्स के वर्ड्स के द्वारा जो है कंपेरिजन किया जाता है, ठीक है.
तो उसके बाद आगे चलते हैं, सिट्रंस होते हैं लेमन, लेमन समझ लो, क्योंकि लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, अगर आपको पता हो तो इसी टाइप से ये वर्ड है सिट्रंस। ठीक है, स्वीट टू टंग एंड साउंड टू आई, कम बाय कम बाय, आँखों को अच्छे लगने वाले हैं, साउंड मतलब अच्छे, और टंग जो है टंग में क्या लगेंगे, ये मीठे लगेंगे। तो मतलब हमारे पास मीठे मीठे फ्रूट्स हैं, खट्टे भी हैं, सीजनल भी हैं, अनसीजनल फ्रूट्स भी हैं, आओ सभी खा के जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 32 to 39, इवनिंग बाई इवनिंग अमंग द ब्रूक साइड रसेस, ब्रूक होता है नदी, ठीक है, नदी समझ लो, या फिर छोटा सा कहीं से नाले टाइप में जहाँ से पानी निकलता है। देखो ब्रूक्स उस टाइम पे होते थे नदियाँ, अभी तो मान लो नाले हैं ना हमारे पास, नालों में तो गंदा पानी आता है, उस टाइम पे छोटी छोटी ब्रूक्स बहा करती थी, उसे बोलते हैं ब्रूक साइड रसेस। अमंग द ब्रूक्स, इवनिंग बाई इवनिंग अमंग द ब्रूक साइड रसेस, लॉरा बोर्ड हर हैड टू हियर लिजी वेल्ड हर ब्रसेस, क्रॉचिंग क्लोज टूगेदर इन दी कूलिंग वेदर विथ क्लैस्पिंग आर्म्स एंड कॉसनिंग लिप्स विथ टिंगलिंग चिक्स एंड फिंगर टिप्स। इवनिंग बाई इवनिंग मतलब हर शाम दर शाम जो है ब्रूक साइड के रसिस के पास, ब्रूक साइड मतलब नदी के किनारे जो रस है, भीड़ है, उनके पास से लोरा जो है अपने जो सिर को है झुका के थोड़ा सा सुना करती थी इनकी आवाज़ों को। और लिजी जो है इस टाइम पे उसको तो पता था, क्योंकि उसकी एक फ्रेंड के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, तो लिजी को तो पता था। तो लिजी क्या करती है, वेल्ड हर ब्लसेस मतलब अपने जो ब्लस तो होता है, देखो चेहरे पे ब्लस आना उसको बोलते हैं ब्लस, तो ब्लस जो है अपने ब्लसिस, ब्लसिस चेहरे पे जो हंसी टाइप में या फिर गाल थोड़े से लाल टाइप के अगर होते देखे होंगे आपने कार्टून वगैरह में भी, तो उसे ब्लस बोलते हैं। तो लिजी भी सुनती है उन आवाज़ों को, लेकिन शर्मा के ढक लेती है अपने ब्लसिस को। क्रॉचिंग क्लोज टुगेदर इन दी कूलिंग वेदर और क्लोज टुगेदर, अब एक साथ होती हैं ये दोनों बहनें, और जो वेदर होता है वो थोड़ा सा ठंडा होता है, तो एक दूसरे क्या करते हैं, विथ क्लैस्पिंग आर्म्स एंड कॉसनिंग लिप्स विथ टिंगलिंग चिक्स एंड फिंगर टिप्स, ये क्या करते हैं आपस में, जब ये गोब्लिन्स की आवाज़ सुनते हैं तो ये अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्लैस्पिंग आर्म्स अपने आर्म्स को भींचते हैं मतलब दबाते हैं, अपने लिप्स को जो है कॉसनिंग करते हैं, कॉसनिंग देखो कॉसन वैसे होता है सावधानी, मतलब शायद मुंह बंद करते हैं ये, ऐसा समझ लो आप कुछ बोलना नहीं चाहते इस बारे में। विथ टिंगलिंग चिक्स एंड फिंगर टिप्स मतलब ये हरकतें होने लगती हैं इनके बॉडी में, इनकी ऐसी आवाज़ सुनते ही, तो कहीं ना कहीं जो आवाज़ है, जो आवाज़ उनके द्वारा की जा रही है गोब्लिन्स के द्वारा, उन गोब्लिन मार्केटर्स के द्वारा, वो तो कहीं ना कहीं सेक्सुअली भी इनको बुलाने की कोशिश कर रही है, सेक्सुअली इनको टेम्प्ट करने की कोशिश कर रही है, आप समझ सकते हो। ठीक है, 42-47, लाइक क्लोज लोरा सेड प्रिकिंग अप हर गोल्डन हेड, वी मस्ट नॉट लुक एट गोब्लिन, देखो यहाँ पे गोल्डन हेड का भी जिक्र है यहाँ पे। ठीक है, लोरा गोल्डन हेड, और फिर इसी को काट के थोड़ा सा दिया जाता है और बार्गेनिंग की जाती है, फ्रूट्स खरीदा जाता है। अभी पढ़ेंगे लाइक क्लोज लोरा सेड, लाइक क्लोज लोरा सेड, लोरा कहती है कि क्लोज आओ थोड़ा सा लेट हो, लाइक क्लोज प्रिकिंग अप फॉर गोल्डन हेड, वी मस्ट नॉट लुक एट गोब्लिन मैन, हमें बाहर नहीं देखना चाहिए, वी मस्ट नॉट बाय देयर फ्रूट्स, उनके फ्रूट्स नहीं करने खरीदने चाहिए, हु नोस मतलब क्या कौन जानता है कि किस टाइप की भूमि से उनके जो है ये फ्रूट्स उगते हैं, किस टाइप से जो है देयर हंग्री थर्स्टी रूट्स कम बाय ऑल दी कॉल दी गॉब्लिन्स, सॉरी कम बाय कॉल दी गॉब्लिन्स होबलिंग डाउन दी लेन, लेन है वैली टाइप में होती है लेन। तो यहाँ पे देखो कितनी बढ़िया तरीके से बताया गया है कि कौन जानता है कि इनके जो हैं फ्रूट्स हैं किस धरती पे उगे हैं, तो कहने का मतलब ये है इनडायरेक्टली कि पूछा जा रहा है कि कौन जानता है फ्रूट्स के बेचने के पीछे क्या मकसद है, क्या मेंटेलिटी है इनकी फ्रूट्स बेचने के पीछे, तो ये भी बताया गया है, कम बाय कॉल द गॉब्लिन्स होबिंग डाउन द लेन, और ये होबलिंग होबल करते हुए कम बाय के नारे लगाते जा रहे हैं, नारे इन द सेंस बुला रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 48-63, ओ क्राइड लिजी लोरा लोरा यू शुड नॉट पीप एट गॉब्लिंग मैन, तुम्हें बाहर नहीं देखना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए उनकी बातें, लिजी कवर्ड अप हर आईज, लिजी ने अपनी आंखें बंद कर ली, लिजी बार बार समझा रही है लोरा को बाहर मत देखो, कवर्ड क्लोज लेस दे शुड लुक,
और उसने अपनी आंखों को तब तक बंद रखा जब तक दे शुड लुक, जब तक वो, देखो उसने अपनी आंखों को तब तक बंद रखा जब तक वो देखना नहीं चाहते थे उनको। लिजी का भी ऐसा ही हाल था बुरा, लिजी भी टेम्प्ट हो गई थी लेकिन लिजी कंट्रोल करना जानती थी, अभी मैंने बताया था। तो लिजी भी अपनी आंखों को विवश होके कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी लेस्ट दे शुड लुक, वो भी देखना चाहती थी दे शुड लुक लेकिन लेस्ट कहीं ना कहीं ना देखे उनको, तो वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। लॉरा रियर्ड हर ग्लॉसी हेड एंड विस्पर्ड लाइक दी रेस्टलेस ब्रुक, रेस्टलेस ब्रुक। जिस टाइप से ये जो ब्रुक है, नदी है, रेस्टलेस है, चलती रहती है, वैसे लॉरा भी रेस्टलेस हो रही थी। लुक लिजी डाउन द लैंड ट्रैम्प लिटिल मैन, और इस वैली के बाहर जो है ट्रैम्प लिटिल मैन, छोटे छोटे जो मैन है वो जा रहे हैं। वन हॉल से बास्केट, एक हॉलिंग कर रहा है बास्केट्स की, तो कोई एक प्लेट बियर कर रहा है। वन लग्स अ गोल्डन फिश ऑफ मैनी पाउंड्स वेट, हाउ फेयर द वाइन मस्ट ग्रो हुज ग्रेप्स आर सो लुसीसियस, डिलीसियस कह लो या फिर कितने टेस्टफुल होंगे। मतलब ये दूर से ही मजे ले रही है इन चीज़ों का, दूर से ही टेम्प्ट हो गई है, फाइनली ये टेम्प्ट हो गई है, आप ऐसे समझ सकते हो टेम्प्ट हो गई है, बस अब इसे गलत स्टेप उठाना है। ठीक है, तो ये ना काफ़ी, देखो इस टाइप से भी एनालाइज कर सकते हो। एक बार गलत चीज़ें जो होती हैं इंसान को टेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, इंसान के पास एक मौका होता है कि या फिर वो तो टेम्प्ट हो जाए या फिर बच जाए, अपने आप को कंट्रोल कर ले। तो दो रास्ते हैं, दो तरीके, फिर रिजल्ट आते हैं। कंट्रोल कर लिया तो हो सकता है बहुत बड़ी लाइफ मिले उसे कुछ, कंट्रोल नहीं कर पाया तो हो सकता है अपनी लाइफ में वो खुद ही कुल्हाड़ी मार ले। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था। गोल्डन फिश का यहाँ पे जिक्र क्यों किया गया है थोड़ा सा देख लेते हैं। लोरा इज अमेज बाय दिस, देखो ये कह रही है कि फ्रूट्स जो हैं लुसीसियस भी हैं, लुसीसियस, और तो यहाँ पे कुछ है नहीं इतना इम्पोर्टेंट, बाकी यहाँ पे बता देता हूँ मैं। वन लग्स अ गोल्डन फिश, कुछ ऐसे भी फ्रूट्स हैं गोल्डन फिश, मतलब आप देख सकते हो कि इतना ज़्यादा टेम्प्ट हो गई है कि उन फ्रूट्स को इतनी ज़्यादा वो तबाहत देने लगी है, या फिर कह सकते हो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगी है कि गोल्डन फिश लिए जा रहा है, कोई ऐसा प्लेट लिए जा रहा है, कोई बास्केट लिए जा रहा है, मतलब कितने अच्छे अच्छे फ्रूट्स होंगे। आपने बच्चे देखे होंगे चाहे क्वालिटी कैसी भी हो, लेकिन अगर उसे कोई चीज़ पसंद आ गई तो वो मम्मी को डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें बताएंगी, मम्मी ये इसमें ये है ये है ये है, खरीद के दो मेरे को। ठीक है, उसी टाइप से ये भी लिजी को बताने की कोशिश कर रही है, खुद तो टेम्प्ट हो चुकी है, लिजी को भी टेम्प्ट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो सेड लिजी, नो 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 नो, दियर ऑफर शुड नॉट चार्म अस, उनके ऑफर्स जो हैं हमें चार्म नहीं करने चाहिए, हमें नहीं पसंद आने चाहिए। देयर ऑफर शुड नॉट चार्म अस, देयर इविल, हो सकता है कि इविल गिफ्ट्स वुड हार्म अस, क्या पता हमें हार्म करें, नुकसान करें उनकी जो ये इविल गिफ्ट्स हैं। सी थ्रस्ट अ डिम्पल फिंगर एंड इन ईच ईयर सेट आइस एंड रेन, क्यूरियस लोरा चोज टू लिंगर वंडरिंग एट ईच मर्चेंट मैन। अब लोरा जो है उनके पीछे जाना चाह रही थी, वंडरिंग एट ईच मर्चेंट मैन, हर एक मर्चेंट मैन के पीछे, लेकिन लोरा जो लिजी जो है वो क्या करती है, सुनना नहीं चाहती इन आवाज़ों को, अपने कानों को बंद करना चाहती है। ठीक है, वन हैड अ कैट स्पेस वन विश अ टेल के, अब इनके देखो यहाँ से लेके नीचे तक थोड़ा सा बताया गया है उनके अपियरेंस के बारे में, गोब्लिंस कैसे दिखते हैं, गॉब्लिन्स को यहाँ पे शेप दी गई है, शक्ल दी गई है, देखो कैसे दिखते हैं। वन हैड अ कैट स्पेस, एक की तो बिल्ली जैसी शक्ल है और एक पूंछ भी है, एक की तो रैट जैसे पेस है और एक तो स्नेल जैसा चल रहा है। वन लाइक अ वन 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 वन, एक चीज देख रहे हो कितना यहाँ पे क्या सिमिलरिटी है, वन 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 वन। ठीक है, वन क्रॉल लाइक अ स्नेल, एक तो स्नेल जैसा चल रहा है। ऑब्ट्यूस एंड फेरी, कुछ मोटे हैं कुछ भरी हैं, तेज वाले हैं कुछ रेटल टम्बल्ड, हरी हरी हरीश करी पेस फेस, ए बी ए बी ए बी चल रहा है। देखो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, देखो ए बी नहीं, सी थ्रस्ट है फिंगर लिंगर ए बी ए बी, ऐसे भी चल रहा है यहाँ पे, मतलब राइमिंग स्कीम भी देखते हुए चलना आप थोड़ा सा, इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा नहीं तो मैं। ठीक है, फिलहाल ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो 567 आई थिंक लाइन्स इसमें, तो एक बार देख लेते हैं पहले। वन लाइक अ रेटल टम्बल्ड हरीश करी, सी हर्ड अ वॉइस लाइक वॉइस ऑफ डोव्स कूइंग ऑल टुगेदर, और वो उनको ना आवाज़ ऐसी सुन रही थी जैसे डव्स, डव्स जो है कबूतर टाइप में ही होते हैं, वाइट होते हैं ये डव्स। ठीक है, और ऐसे लग रहा है जैसे ये कूइंग गुटरगू कर रहे हैं एक साथ, दे साउंडेड काइंड एंड फुल ऑफ लव्स इन द प्लेजेंट वेदर, और इतने ज़्यादा टेम्प्ट हो चुके हैं कि यार उनकी आवाज़ भी इनको
उनकी आवाज़ भी, हॉकर्स की आवाज़ भी किसी को भला पसंद आती है, लेकिन ये इतने ज़्यादा टेम्प्ट हो चुके हैं कि उनकी आवाज़ भी पसंद आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 81 to 86, आप बाकी आप कोई चीज़ मिस हो जाए आपको लगता है तो ये पढ़ लेना, इसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंसनड है। ठीक है, लॉरा स्ट्रेच हर ग्लीमिंग नेक लाइक अ रस एम्बेडेड स्वान, लाइक अ लिली फ्रॉम द बैक, लाइक अ मूनलिट पॉपुलर ब्रांच। ठीक है, लॉरा जो है अपनी गर्दन को थोड़ा सा उठाती है, लाइक अ रस एम्बेडेड स्वान। अभी ये कंपैरिजन किया गया है कि लॉरा कितनी ज़्यादा टेम्प्ट हो गई है, कि वो क्या क्या कर रही है, लाइक के थ्रू से बताया गया, यानी कि सिमिली से यहाँ पे, लाइक अ लिली, लाइक अ मूनलिट, लाइक अ वेसल व्हेन इट्स लास्ट रिस्ट्रेंट इज गॉन, लाइक अ वेसल एट द लॉन्च When its last restraint is gone, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि when its last restraint is gone, इसका मतलब क्या है कि अब last restraint is gone, मतलब अब ये पूरी जो इसकी controlling power थी वो ख़त्म हो चुकी है, अब तो ये control नहीं कर पाएगी, मतलब अब कुछ ना कुछ ये down होने वाली है, अपनी chastity पे कुछ ना कुछ दाग लगेगा इसको, ठीक है, और कहीं ना कहीं इसकी हानि होगी, ये समझ सकते हो आप कि मतलब अब तो जहाज डूबने वाला है, टाइटैनिक डूबने वाली है, ऐसे समझ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 87 to 90, बैकवर्ड्स ऑफ द मोसी लैंड, मोसी बैकवर्ड्स ऑफ द मोसी, मोसी मतलब देखो आपने मोसीस एंड फर्न्स पढ़े होंगे साइंस में, अगर नहीं पढ़ा तो आपने देखे होंगे पहाड़ों पे या फिर काई सी जम जाती है ग्रीन ग्रीन कलर की, उसे ही समझ लो, मोसीस ऐसी इसी टाइप्स में होते हैं मोसीस एंड फर्न्स। तो वादियों में क्या है, ये मोसीस जो हैं दिख रहे हैं, टर्न एंड ट्रूप द गोब्लिन मैन विद देयर थ्रिल रिपीटेड क्राई कम बाय, और उनकी आवाज़ें जो हैं लगातार सुनी जा सकती है पहाड़ियों के बीच में, ब्रुक्स के किनारे, इन सब की आवाज़ों को सुना जा सकता है, खासकर ये जो मोसिस हैं नदियों के किनारे पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When they reached, when Laura was, they stood stock still upon the moss. अब लोरा वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ लोरा खड़ी होती है, अपॉन द मॉस लेयरिंग एट ईच अदर, जहाँ पे एक दूसरे से लेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, लेयर का मतलब होता है, LWR का मतलब होता है ग्लैंड साइडवेज, एक दूसरे की तरफ साइडवेज झांकना, ब्रदर विद क्वेर ब्रदर, देखो क्वेर क्वेर ये पता है आपको, होमोसेक्सुअलिटी वगैरह जो है उस टाइप से भी लिंक्ड है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्वेर का मतलब है सस्पिशियसली ऑड। LGBTQ पढ़ा होगा आपने, लेस्बियंस, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल, और क्यू से होता है क्वेर, तो वही वाला क्वेर है, लेकिन यहाँ पे क्वेर का मतलब ऐसे समझ सकते हो सस्पिशियसली ओड, जो है भाई भाई लग रहे हैं लेकिन अलग अलग हैं सारे, सिग्नलिंग ईच अदर, एक दूसरे को सिग्नल कर रहे हैं, ब्रदर विद स्लाय ब्रदर, और ब्रदर भी मतलब वो क्या है, झुंड में आ रहे हैं, झुंड में है गोब्लिन्स मार्केटर्स जो हैं, हॉकर्स जो हैं झुंड में है, और वो वहाँ तक आते हैं जहाँ पे लोरा खड़ी होती है, सीधी सीधी बात ये है कहने का। 97 to 104, वन सेट इज बास्केट डाउन, वन रियर इज प्लेट, वन बिगेन टू वीव अ क्राउन ऑफ 10 real sleeves एंड रफ नट्स ब्राउन। सारी चीज़ समझ आ गई यहाँ पे, एक बास्केट उतारता है तो कोई प्लेट तैयार करता है, तो कोई क्राउन बुनने लगता है, ऑफ 10 real sleeves, 10 real कोमल नरम मुलायम जो है पत्तों से कुछ कुछ बनाने लगते हैं। मैन शैल नॉट ट्रेस सच इन एनी टाउन, वन हीव द गोल्डन वेट ऑफ डिसेंट फ्रूट टू ऑफर हर, कम बाय वाज स्टिल देयर क्राई। तो अभी भी जो क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैन सेल नोट सच इन एनी टाउन, वन हीवन द गोल्डन वेट ऑफ डिस एंड फ्रूट टू ऑफर हर, अभी क्या कर रहे हैं, ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी, लेकिन वो क्राई कर रहे हैं कम बाय का। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, इट इज दो द पोइट इज टेलिंग अस, ये पोइट हमें बताना चाहता है, जस्ट बाय द वे द काइंड ऑफ नट्स द गोब्लिन्स आर यूजिंग आर रियली अनकॉमन, द सिम्स इंपॉर्टेंट बट लाइक अ लॉट ऑफ द डिटेल्स इज द पोएम, द मीनिंग इज नॉट क्लियर। अभी तक देखो यहाँ पे क्लियर नहीं है। ठीक है, तो एक क्या करते हैं, अभी तो ये ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वन हीव द गोल्डन वेट, मतलब एक के पास इतने ज़्यादा फ्रूट्स थे वो भी ऑफर करने की कोशिश करता है, अभी भी ये क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कम बाय कर रहे हैं, और एक यूनाइट होके क्राई कर रहे हैं, और ये थोड़ा सा क्रीपी लग सकता है लोरा को, और अभी भी इसे ये नहीं पता, आभास नहीं है कि क्या क्या हो सकता है इसके साथ पूरा। ठीक है, और इसे अभी भी इसे एहसास नहीं है कि अभी भी इसके पास मौका है कि टर्न हो जाए, भाग जाए। ठीक है, लोरा स्टार्टेड बट डिडंट स्टर लॉन्ग बट हैड नो मनी, अब लोरा जो है अपनी जगह से हिल नहीं रही थी क्योंकि इसके पास पैसे भी नहीं है, खाना भी है। ठीक है,
मतलब लोरा तो टेम्प्ट हो चुकी है, अभी मैंने बताया था टाइटैनिक डूब गई है, मतलब ये वाली लाइन देखो, फाइनली गोन वाली लाइन, एक मिनट रुक जाओ, ये रहा, एक मिनट, ये नहीं है, ये रहा लास्ट रिस्ट्रेंट इज गोन। तो ये ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा आपको कि कैसे वो टेम्प्ट हो गई थी फाइनली, ठीक है। ये मैंने बता दिया, उसे खरीदना भी है लेकिन पैसे नहीं उसके पास। द बेस्ट टेल्ड मर्चेंट बेड हर टेस्ट। अब एक टेल्ड पूछ वाले मर्चेंट ने क्या करा, इसकी टेस्ट को भाप लिया। मान लो कोई भी डॉग है आपके पास, पूछ हिला रहा है, आप कुछ खा रहे हो, सिंपली आप यही समझोगे ना कि उसके कुछ चाहिए, मतलब कुछ चाहिए जो मैं खा रहा हूँ, मे भी उसे वही चाहिए, रोटी चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो डेफिनेटली ऐसे ही उसने उसकी भाप लिया कि लोरा को क्या चाहिए। इन टोन्स, लोरा को तो वैसे फ्रूट्स चाहिए, लेकिन फ्रूट्स का यहाँ पे इंटरपोलेशन एक ये भी निकलेगा कि उसके सेक्सुअल प्लेजर चाहिए, ठीक है। दोनों बहनें अकेली रहती थी तो सेक्सुअली सेक्सुअल प्लेजर भी चाहिए इन्हें। इन टोन एज एज स्मूथ एज एनी, द कैट फेस्ड पर्ड द रेड फेस वो कवर्ड। अब कैट फेस वाले ने कुछ कहा, रेड फेस वाले ने कुछ कहा, किसी ने वेलकम कहा, किसी ने कुछ कहा, वेलकम एंड द स्नेल फेस, स्नेल जो धीरे धीरे चाल चलने वाला था उसने कुछ सुना। पैरट वॉइस वाले ने जॉली खुशी जाहिर करी। प्रैटी गॉब्लिन स्टिल फॉर प्रैटी पॉली, वन विसल लाइक अ बर्ड, एक चिल्ला रहा था, ठीक है। तो मतलब वो सारे गॉब्लिन जो हैं फाइनली लोरा को देख के खुश होते हैं कि यार एक तो फंस गया मुर्गा हमारे जाल में, ठीक है। अब नाउ वी विल बी एक्सप्लोइटिंग हर, अब उसे एक्सप्लोइट करेंगे, सेक्सुअली हरास करेंगे और आगे बढ़ते हैं। चलो लाइन नंबर 115 to 122, बट स्वीट टूथ लोरा स्पोक इन हेस्ट। गुड फॉक, आई हैव नो कॉइन, मेरे पास कोई पैसा नहीं है खरीदने के लिए, उनसे बोली वो। टू टेक वे टू पुरलन, पुरलोइन, पुरलोइन का मतलब होता है थेफ्ट। अगर आपने पढ़ा हो पिछले साल पुरलोइन लेटर, शॉर्ट स्टोरीज हैं, चलो कोई नहीं, पुरलोइन का मतलब होता है थेफ्ट, चोरी करना है। आई हैव नो कॉपर इन माई पर्स, मैं कहाँ से लाऊँ, कहाँ से चोरी करके लाऊँ, मेरे पास तो कॉपर भी नहीं है पर्स में। आई हैव नो सिल्वर इधर, मेरे पास तो सिल्वर कॉइन भी नहीं है। ऑल माई गॉड इज ऑन द फर्स्ट, लेट से इन माई विंडी वेदर अबाउ द रस्टी हीदर। देखो, ऑन द फर्स्ट विच इज द काइंड ऑफ एवर ग्रीन श्रब दैट हैज गोल्ड कलर्ड फ्लावर्स। ऑन द फर्स्ट का मतलब होता है ऐसी सदाबहार एक श्रब होती है जो कि हमेशा गोल्ड कलर की फ्लावर्स जो है उसके पास होते हैं। तो ये कह रही है कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, ऑल माई गोल्ड इज ऑन द फर्स्ट, ये सारी चीजें तो मेरी फर्ज में है, दैट सिक्स इन विंडी वेदर अबाउट द रस्टी हेजर। तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा ना थोड़ा सा झलक रहा है, क्योंकि लोरा के जो बाल थे वो गोल्डन थे, मतलब आप ब्लॉन्ड टाइप की हेयर से, तो मे बी यहाँ से रेफरेंस लिया गया है कि हवा में उड़ते हैं अबाउट द रेस्टी इधर। कहीं ना कहीं वो खुद ही ये कह रही है कि तुम ये लेके मुझे फ्रूट जूस चखने की अनुमति दो, यानी कि अलाउ करो मेरे को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 123 to 128, क्या बताया गया है यहाँ पे देखते हैं। यू हैव नो मच गोल्ड अपॉन योर हेड, यू हैव मच गोल्ड अपॉन योर हेड, मतलब तुम्हारे सिर पे तो बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स हैं, क्या जरूरत तुम्हें किसी और चीज लाने की। दे आंसर्ड ऑल टुगेदर, एक साथ बोले वो सारे, बाय फ्रॉम अस विद गोल्डन कर्ल, तुम एक कर्ल दे दो मेरे को, तुम एक टुकड़ा दे दो बाल का। अब ये चीज आप यहाँ से भी लिंक कर सकते हो कि कैसे इंडिया में जो है, इंडिया में वैसे फिलहाल लिंक कर ले, फिर वर्ल्ड में भी ऐसा होता है कि कुछ गलत चीज करनी होती है, कुछ टोना टोटके वाले जो होते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक इस्तेमाल करने वाले होते हैं, वो बाल से ही बहुत कुछ कर देते हैं। कहते हैं ना कि बाल ले आओ, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ठीक है, ऐसा भी समझ सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आप तो ये अटेम्प्ट हो चुकी है, इसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, ऐसे समझ लो आप। सी स्लिप्ड अ प्रीसीज गोल्डन लॉक, अपना बाल थोड़ा सा काट के दे देती है वो उन्हें। सी ड्रॉप डट ईयर मोर रेयर देन पर्ल, अब वो उसके बाल गए तो यार दुख तो होगा, तो उसके जो टीयर हैं वो कैसे हैं, किससे कीमती हैं, मोती से भी कीमती हैं। देन सकड देयर फ्रूट ग्लोव्स फेयर और रेड, अब जो है फ्रूट्स जो है उनको चखना चालू कर देती है। अब देखना यहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके से यहाँ पे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, जो सीधा सीधा सेक्सुअली जो है सेक्सुअल वर्ड्स का भी इंटरपोलेशंस देंगी आपको, अभी देखना। स्वीटर देन हनी फ्रॉम द रॉक, स्ट्रॉन्गर देन मैन रिजॉइसिंग वाइन, ऐसे हैं फ्रूट्स की मीठे मीठे हैं, रॉक से भी ज़्यादा मीठे हैं, मैन जो वाइन पीते हैं उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, क्लियर देन वाटर फ्लोर दैट जूस, पानी से भी ज़्यादा क्लियर है, सी है नेवर टेस्टेड सच बिफोर, ऐसा उसने कभी चखा नहीं था। चखा इसलिए नहीं था क्योंकि वो अकेली ही घर पे रहती थी, अपनी दो बहनें थी अकेली। तो मान लो कहने का मतलब, अकेले का मतलब ये था, देखो 19th सेंचुरी में ये था ना कि सेक्सुअल सेक्स को जो है अजीब तरीके से शो करा जाता था, टैबू टाइप से समझ लो कि छिछी गंदी चीज़ है, ठीक है,
इस टाइप से शो किया जाता था। अपने हिंदुओं में तो मान लो, या फिर अपने सनातन धर्म में ऐसे समझ लो, मैं किसी धर्म को पॉइंट आउट करने की नहीं कोशिश कर रहा, बट बता रहा हूँ मैं कि अपने धर्म में तो ये है कि हिंदू धर्म में अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, ये सब है। तो अपने में तो ये गंदी चीजें नहीं है, क्योंकि सेक्स क्या है? सेक्स डेफिनेटली एक नई दुनिया लाती है, एक टाइप से एक ऐसा पवित्र रिलेशन है जिसकी अहमियत करना बहुत नेसेसरी है। वीमेन को भी नेसेसरी है कि वीमेन को भी सम्मान देना नेसेसरी है। ये एक फेथ है, एक होप है, इसको गलत तरीके से कभी नहीं लेना चाहिए, ठीक है? तो लेकिन यहाँ पे अब तो कंडीशन ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो है सेक्स का जो अलग ही मतलब निकाला जा रहा है लोगों के द्वारा, और गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो इन चीज़ों को आप लिंक कर सकते हो अपने आंसर्स में। वाइल आंसरिंग दीज क्वेश्चंस यू कैन लिंक लाइक दिस, तो डेफिनेटली आपकी आपकी तरफ से एनालिसिस होगी ये, ठीक है? तो यही तो है इंग्लिश ऑनर्स जो डिमांड करता है आपसे। आगे बढ़ते हैं। क्लियर देन वाटर फ्लोड दैट जूस, ऐसा कभी चखा नहीं था उसने। हाउ शुड इट क्लोई विद लेंथ ऑफ यूज, और ये ऐसा है मतलब ऐसा टेस्ट है कि ये कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। कभी तो लेंथ कितना ही यूज कर लो, कितना ही रगड़ के यूज करो, कभी खत्म नहीं होने वाला है, ऐसा है, ठीक है? सी सक्ड एंड सक्ड एंड सक्ड द मोर फ्रूट्स विद अननोन ऑर्चर्ड बोर, सी सक्ड अंटिल हर लिप्स वर सोर। वो तब तक चूसती गई उनको, तब तक, देखो मैंने कहा था ना सेक्सुअली यहाँ पे इंटरपोलेशंस भी यहाँ पे मिलेंगी आपको। तो वो तब तक सक करती गई जब तक उसके लिप्स जो है सोर नहीं हो गए, फूल नहीं गए, सूज नहीं गए, या फिर सोर का यहाँ पे ऐसे ही मतलब निकाल सकते हो आप, ठीक है? तो थोड़ा सा सेक्सुअली यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है। आगे बढ़ते हैं। देन फ्लंग दी एम्प्टीड अवे बट गैदर्ड अप वन कर्नल स्टोन एंड न्यू नॉट वॉज इट नाइट और डे एस इज टर्न्ड होम अलोन। देखो अब इसे जो फ्रूट्स का जूस जो है लेने के बाद कह सकते हो नशे टाइप का चढ़ गया इसे। एंड अपॉन वन कर्नल स्टोन एंड न्यू नॉट वॉज इट नाइट और डे एस इज टर्न्ड होम अलोन। अब उसे अब इतना ज़्यादा चढ़ गया कि वो कर्नल स्टोन में बता दूं, देन फ्लंग दी एम्प्टीड रिंड्स अवे। रिंड्स हैं कोर्स के लो असाइड वालों छिलके टाइप में, या फिर फ्रूट खा के जो बच गया उसे फेंकती है ये। और कर्नल जो है कर्नल स्टोन बीज को भी फेंकती है ये, फ्लंग फेंक दिया, और बीजों को इकट्ठा करती है, बीजों को इकट्ठा करती है, और एम्प्टीड रिंड्स जो होते हैं खोखले टाइप के उनको फेंक देती है, बीजों को इकट्ठा करती है। उसके बाद जो जो है मतलब थोड़ा सा कह लो कि इतना ज़्यादा मस्त हो गई होती है उन फ्रूट्स को चखने के बाद, तो इसे तो यही नहीं पता लगता कि इट्स डे और इट्स नाइट, ठीक है? डेज हो चुकी है। लिजी मेट हर एट द गेट, लिजी मिलती है उसको गेट पे फुल ऑफ। अब वो वापस घर आ जाती है लिजी के पास, तो लिजी देखती है कि यार ये तो अजीब सी है, बिहेव कर रही है, डेज हो गई है ये तो, मतलब मदहोश हो गई है। फुल ऑफ वाइस ऑफ ब्रेडिंग्स डियर यू शुड नॉट स्टे सो लेट, तुम्हें इतनी देर बाहर नहीं होना चाहिए था। ये लिजी कहती है कि तुम्हें इतनी देर बाहर नहीं होना चाहिए था घर से। ट्विलाइट इज नॉट गुड फॉर मेडन्स, हम जैसे मेडन्स के लिए ये ट्विलाइट जो है ये धुंधली सी रात अच्छी नहीं है, ये इतनी अंधेरी रात अच्छी नहीं है। शुड नॉट लॉइटर इन द लैंड इन द हॉर्न्स ऑफ गोब्लिन मैन, और जब गोब्लिन मैन जैसे बाहर डराने वाले क्रिएचर्स बाहर घूम रहे हैं तो हमें, सॉरी हाँ, तो डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया था अभी, सॉरी इसके लिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो बाहर जो ऐसे मैन घूम रहे हैं तो इनके लिए, हाँ, बाहर जो ऐसे गोब्लिन मैन घूम रहे हैं तो उनसे हमें हॉन्ट नहीं होना। शुड नॉट लॉयटर इन द लैन, अब इतनी रात को जब बाहर गोब्लिन मैन जैसे हॉन्टिंग करने वाले अगर घूम रहे हैं तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए, हमें इतनी देर बाहर नहीं रहना चाहिए। बाहर नैरो इसमें वैलीज में, लैन का मतलब बताया ना वैलीज, वादियाँ, तो इतनी देर बाहर नहीं रहना चाहिए। आगे आ जाते हैं। 147 टू 152 डू यू नॉट रिमेंबर जिनी, हाँ मैं कह रहा था ना कि एक फ्रेंड का और जिक्र किया जाएगा जिसके बारे में बताया जाएगा कि उसका क्या हश्र हुआ था, वो भी ऐसे अटेम्प्ट हो गई थी। तो अभी ये जिनी का उदाहरण देके बता रही है लिजी। लिजी जो बहन है लॉरा की, जो कि अभी अटेम्प्ट होके आई है, सेक्सुअली हरास्ड होके आई है, ठीक है, एक्सप्लोइट होके आई है, फाइनली उसे तो नशा सा चढ़ गया है फिर से इन चीज़ों को पाने का, क्योंकि देखो बंदिशें उसके ऊपर लगाई गई थी मान लो, चलो बाद में बताएंगे इस चीज़ को। फाइनली वो सेक्सुअली उसने कभी सेक्सुअली कभी भी उसने इन चीज़ों का जो है एंजॉय नहीं करा था। पहली बार अगर उसे ये चीज़ें मिली अब तो उसे ये मज़ा आ गया, ठीक है, डेफिनेटली उसे मज़ा आ गया। तो ये अब क्या कर रही है, और ये डिमांड करेगी। तो
तो आप ये देख सकते हो कि आपकी एक बार जो डिमांड बढ़ी किसी चीज की, एक बार जो आप अट्रैक्ट हो गए, चाहे वो गलत चीज है चाहे वो अच्छी चीज है, गलत चीजों के ऊपर तो ज्यादा ही हावी हो जाता है ये चीज कि हम उसकी ओर बढ़ने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, ठीक है, रास्ते को और जटिल करने लगते हैं, पीछे मुड़ना तो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो सेम लोरा के साथ हो गया। तो लोरा को समझाने के लिए लिजी क्या करती है, जिनी का एग्जाम्पल देती है, जो कि उसकी एक फ्रेंड थी, लिजी की फ्रेंड थी जिनी, उसका एग्जाम्पल देती है। हाउ सी मेट देम इन द मूनलाइट, वो कैसे मूनलाइट में मिली थी, टुक द गिफ्ट्स बोथ चॉइस एंड मैन, और उन्होंने उसके गिफ्ट्स को लिया था, जिनी ने उनकी गिफ्ट्स को लिया था, एट देयर फ्रूट्स, उनकी फ्रूट्स को, यानी कि गोब्लिंस के फ्रूट को खाया था, उनके फ्लावर्स को पहना था, प्लुक्ड प्लक्ड फ्रॉम फ्लावर्स वेयर समर राइपन्स एट ऑल आवर्स, ठीक है। तो मतलब ये कह रही है कि जिन्नी ने कैसे उनका इस्तेमाल करा था, फ्रूट्स का इस्तेमाल करा था, वो कैसे वो भी सेक्सुअली हरास्ट हुई थी, वो भी कैसे तुम्हारी जैसे ही इंटीमेट हो गई, इंटीमेशन में फंस गई थी तुम्हारी तरह ही, और उसका क्या असर हुआ था अभी पढ़ेंगे। बट एवर इन द नून लाइट सी पाइन एंड पाइन अवे सॉट देम बाइट नाइन एंड पाइन एंड पाइन अवे का मतलब है कि कैसे वो जो है फंसती गई सी, कि कैसे वो बीमार होती गई, फंसती गई, शिकार होती गई। बट एवर इन द नून लाइट, एवर इन द नून लाइट सी पाइन एंड पाइन अवे, अपने आप को कमजोर करती गई, सीण करती गई, सीण का अब कमजोर होता है मतलब, सॉट देम बाई नाइट एंड डे, फाउंड देम नो मोर बट ड्विंडल एंड ग्रू एंड ग्रे। अब वो धीरे धीरे क्या है, इन्हीं ड्विंडलिंग का मतलब होता है, ड्विंडलिंग का मतलब होता है हाँ या ना के बीच में, मान लो आप हाँ या ना के बीच में फंसे हुए हो, तो ये ड्विंडलिंग कहता है कि हाँ करना है कि नहीं करना, करना है कि नहीं करना, करना है कि नहीं करना, तो दैट इज कॉल्ड ड्विंडलिंग। तो उसी टाइप में फंस गई और ग्रू ग्रे, अब बीमार होने लगी, देन फेल विद द फर्स्ट स्नो, देन फेल विद द फर्स्ट स्नो, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो जैसे ही फर्स्ट स्नो हुई वो मर गई, देन फेल विद द फर्स्ट स्नो, जैसे ही फर्स्ट स्नो, जैसे ही पहली बार स्नो गिरा, उसी टाइप से वो भी पहली बार ही उसी के साथ खत्म हो गई, वो मर गई। वेल टू टू दिस डे नो ग्रास विल ग्रो, और कोई भी ग्रास नहीं होगी उस दिन, वेयर सी लाइज लो, मतलब क्या है, उसकी चेस्टिटी खत्म, समाज ने भी उसको ठुकरा दिया, ठीक है, वेयर सी लाइज लो, यहाँ पे वो लो लाई करती है, मतलब अभी भी वो जमीन के अंदर जो है दबी हुई होगी। आई प्लांटेड डेजीज देयर आई ईयर अगो, और मैंने कोशिश करी कि मैंने उसको याद करने की कोशिश करी, मैंने उसके कब्र के ऊपर डेजी के फूल लगाने की कोशिश करी, फाइनली ऐसा कुछ हुआ नहीं, देन दैट नेवर ब्लो, और कभी वो खिला नहीं, यू शुड नॉट लॉयटर सो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा भी जिन्नी जैसा हाल हो जाएगा, तुम भी मे बी डेथ हो जाए तुम्हारी भी, और इस टाइप से टेम्पटेशन को लेके तुम्हें नहीं जीना चाहिए, वो भी सेक्सुअली इम्प्योर हो गई थी, तुम भी ऐसे ही हो गई हो, तो कहीं ना कहीं अपने आप को प्योर करने की कोशिश करो, जिस टाइप से तुम अब टेम्प्ट हो रही हो, ये लोरा को समझाने के लिए कोशिश की जा रही है लिजी के थ्रू से, बाय द हेल्प ऑफ, बाय द एग्जाम्पल ऑफ जिनी। ओके नो नहीं हस सेड लोरा, नहीं हस माई सिस्टर, लोरा कह रही है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आई एट एंड एट माई फिल, मैंने तो अपने जी भर के पिया है या फिर खाया है, एट माई माउथ वाटर स्टिल्स, लेकिन मेरा यार मुंह अभी भी जो है अभी भी लार टपक रही है, अभी भी पानी आ रहा है मेरे मुंह में इन चीज़ों को देख के, टुमारो नाइट आई विल बट मोर एंड अ किस्ड हर हैव डन विद सोरो। वो कहते हैं कि अगली रात जो है सी विल गो एंड बाय मोर, अगली रात फिर जाएगी फिर खरीदेगी, रात को, रात को देखो यहाँ पे रात को, मतलब कहीं ना कहीं सेक्सुअली पूरा पूरा यहाँ पे शो करा जा रहा है कि वो टेम्प्ट हो गई है, कि किस टाइप से उसे पहली बार एक बार उसने एंजॉय करा, अब उसे वो उसमें मजा आने लगा, ठीक है। इट्स लाइक सी इज टेलिंग अ सिस्टर नॉट टू वरी बिकॉज सी कैन स्टॉप एनी टाइम सी वॉन्ट्स टू। अब ये यहाँ पे ये बताना चाहती है कि यार ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, नहीं नहीं हंस हंस ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है मैं कंट्रोल कर लूँगी, ठीक है। 172, 183 आई विल ब्रिंग योर प्लम्स टू मोरो फ्रेश ऑन देयर मदर ट्विग्स चेरीज, मैं ये चीज़ें लेके आऊँगी तुम्हारे लिए, आई विल ब्रिंग यू प्लम्स टू मोरो फ्रेश ऑन देयर मदर ट्विग्स चेरीज विद वर्थ, ये गेटिंग वर्थ गेटिंग, यू कैन नॉट थिंक वट ट्विग्स माई थिंग्स हैव मेट इन, तुम्हें नहीं पता मैंने किस किस टाइप के फूल फल चखे थे, वॉट मेलन्स आई सी कोल्ड, आई सी कोल्ड ठंडी ठंडी, पाइल ऑन अ डिश ऑफ गोल्ड, टू यूज फॉर मी टू होल्ड, मेरे द्वारा तो संभाल ही नहीं जा रही थी, इतने बड़े बड़े थे वो, टू यूज फॉर मी टू होल्ड वट पिचिस विद अ वेलवेट नैप, पिचिस जो थे वो वेलवेट की तरह थे, वेलवेट कपड़े होते हैं वैसे बड़े मुलायम होते हैं, तो उस टाइप से थे, पेलुसिड ग्रेप्स विदाउट वन सीड, ऐसे ग्रेप्स थे जिनमें बीज ही नहीं थे, ऑर्डरस इंडीड मस्ट बी दे मेड वेयर अपॉन दे ग्रो एंड प्योर द वेव द ड्रिंक विद द लिलीज एट द ब्रिंक एंड सुगर स्वीट देयर सेल्फ, सॉरी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये फ्रूट्स मैंने चखे हैं, तुम्हें नहीं पता कितने टेस्टी थे, कितने मस्त थे ये, ठीक है आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी वीडियो लॉन्ग हो रही है अपनी, बाय द वे स्टिल लेट्स गो अहेड।
गोल्डन हेड भाई, गोल्डन हेड लाइक टू पिजन्स इन वन नेस्ट, फोल्डिंग इन इच अदर वेक्स, दे लाई डाउन इन द कर्टेंस बेड, द लाइक टू ब्लॉसम्स ऑन वन स्टेम, लाइक टू अदर फ्लावर्स ऑन अ फॉलन स्नो, लाइक टू वेंट्स ऑफ फेब्रुअरी टिप्ड विद गोल्ड फॉर अवरफुल किंग्स। ठीक हो, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि गोल्डन, अब देखो लीजी एंड लोरा जो है एक साथ लेट जाती हैं बेड पे, द पोएट कंपेयर द टू ऑफ देम लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, कभी उनको दो पिजन से कंपेयर करा जाता है कि दो पिजन जैसे एक ही नेस्ट में सो रहे हैं, तो कभी दो ब्लॉसम्स दो फूल एक ही स्टेम में, दो तने एक ही, दो फूल एक ही तने में, अभी उनसे कंपेयर किया जाता है क्योंकि एक साथ सोते हैं ये, तो होमोसेक्सुअलिटी का भी यहाँ से मैं कह रहा था ना जिक्र होगा, तो यहाँ पे समझ सकते हो थोड़ा सा लिया गया है मे बी, किसी क्रिटिक्स कुछ क्रिटिक्स को लगता है होमोसेक्सुअलिटी का है यहाँ पे रोल। चलो बाय द वे स्टिल गो हैड। फिर कभी टू फ्लेक्स ऑफ ऑफ न्यू फॉलन स्नो, कभी इनसे न्यू फॉलन स्नो से कंपेयर किया जाता है, लाइक टू वेंट्स ऑफ एवरी, एवरी होता है हाथी दांत, हाथी के जो दांत होते हैं ना उनसे कभी कंपेयर किया जाता है, तो इनसे कंपेयर किया जाता है, थोड़ा सा होमोसेक्सुअलिटी वाला यहाँ पे चीज निकल के उभर के आती है कि कैसे ये दोनों एक साथ सो रहे हैं, लेकिन फिर भी एक तो ये डिफ्रेंशिएट है इसमें, भले एक साथ सो रहे हैं ये, लेकिन एक और डिफ्रेंशिएट यहाँ पे ये है कि लोरा ने चखा है लेकिन लिजी ने चखा नहीं है। ठीक है, ये भी याद रखना आप। इसके बाद यहाँ पे तो कुछ खास नहीं है, ऐसा सारा कुछ बता दिया। और यहाँ पे ये भी बताया कि फ्लावर जैसे टेंडर हैं, स्नो के जैसे स्नो से कंपेयर किया गया है, फ्लावर और कम स्नो से कंपेयर करने का मतलब ये है यार, स्नो क्या कैसा होता है, पहली बार स्नो गिर रही है, पहली बार स्नो गिर रही है मतलब इनोसेंट है, स्नो इनोसेंट है, तो इन्हीं इसी एग्जाम्पल से स्नो के एग्जाम्पल से इनकी इनोसेंसी को भी शो किया गया है। ठीक है, 192-198 मून एंड स्टार गेज इन एट दैम, विंड सेंग टू दैम लुलेबली, लंबरिंग ऑल्स फोर ओवर टू फ्लाई, नॉट अ बैट फ्लैप टू एंड एंड फोर राउंड देयर रेस्ट, चिक टू चिक एंड ब्रेस्ट टू ब्रेस्ट, लॉक टूगेदर इन नेस्ट। तो बेसिकली ऐसे सोए हैं कि उनकी जो ब्रेस्ट है आपस में भिड़ रही है एक ही घोंसले में, जैसे एक ही घोंसले में रहते हैं पिजन्स, उसी टाइप से ये भी अभी हैं राउंड देयर रेस्ट, तो किसी ने हिम्मत नहीं करी किसी में, लंबरिंग ऑल्स फॉर ओवर टू फ्लाई, मतलब ना तो ओवल्स ने हिम्मत करी इनको परेशान करने की, मून भी जो है बाहर से इनको गेज कर रहा था, विंड जो है वो भी लले वली धीरे धीरे मस्त तरीके से बाहर बह रही थी, वो भी ऐसी लग रही थी कि गाना गा रही है, लले वली गाना गाने के तौर पे लग रहा था कि गाना गा रही है। ठीक है, 199-214 अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द फर्स्ट क्राउड 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 इज वार्निंग नीट लाइक बीस, मतलब क्या है कि पहली सुबह जब पहली बार जो इस कॉक क्या होता है मुर्गा, हाँ मुर्गे ने जो एक आवाज़ लगाई है, तो और नीट लाइक बीस है स्वीट एंड बिजी, लोरा रोज विज लिजी, लोरा लिजी एक साथ उठते हैं, फैजड इन हनी मिल दिखाओ, हनी लाते हैं ये, फिर गायों का दूध लेके आती हैं, एट द सेट, मतलब पूरा गांव वाला सीन यहाँ पे शो कराया गया है कि कैसे जो मेडन्स जो हैं, ये तो दोनों फिलहाल मेडन्स ही थी, तो इनका क्या क्या काम होता था दिन भर की, इनकी दिनचर्या क्या थी, हनी लाना, गाय का दूधना मतलब दूध निकालना, तो एड एंड सेट टू राइड द हाउस, घर को साफ सुथरा करना, नीड केक को वाइटेस्ट वीट, खाना बनाना, केक्स डेंटी माउस टू ईट, कुछ खाने के लिए, नेक्स्ट टर्न बटर, फिर उसके बाद मथना बटर को, विप्ड अप क्रीम, क्रीम निकालना, फिर देर पोल्ट्री 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 होता है मुर्गी, मुर्गियों को खिलाना कुछ, सेट एंसीड सिलना कुछ, ये सारे मतलब काम बताए गए कि क्या क्या काम ऑलरेडी इनके पास होते थे। टॉक एट मोजेस मेड एन सोड लिजी विद एन ओपन हार्ट, लोरा इन एन एबसेंट ड्रीम, अब तो लिजी तो है अपना काम कर रही है, लेकिन लोरा क्या अभी भी एक सपने में खोई हुई है, पता नहीं किस टाइप का सपना है, बेसिकली इसका सपना ये है फिर से मैं जाऊँ, फिर से एक बार मजे लेके आऊँ उन फ्रूट्स का, या फिर उन सेक्सुअली मैं फिर से एक बार मजे ले पाऊँ, आप ऐसे समझ सकते हो दूसरे इंटरपोलेशन से। वन कंटेंट वन स्लिक सिक इन पार्ट वन बबलिंग फॉर द मियर ब्राइट डेज डिलाइट वन लॉन्गिंग फॉर द नाइट, एक तो क्या कर रही है कि खुश है इस सुबह से, खुश है लिजी टाइप की जो है, लिजी जो है वो खुश है मॉर्निंग से कि यार मेरे को दोबारा इनकी क्राइज नहीं सुननी पड़ेगी गोब्लिन मार्केट की, क्योंकि रात को इनकी आवाज़ें सुनती थी इनको, और एक क्या कह रही है कि नहीं, क्या एक कह रही है कि रात होनी चाहिए, मतलब लोरा लोरा कह रही है रात होनी चाहिए फिर से वो इन्जॉय कर पाए उन चीज़ों को। 215-214-218 एट लेंथ स्लो इवनिंग केम, अब धीरे धीरे क्या है जो स्लो इवनिंग आती है, मतलब इवनिंग हो जाती है, फाइनली दे वेंट विद पिक्चर्स टू रेडी
ब्रो, अब वो नदियों के पास क्या है, पानी लाने जाते हैं। लिजी मोस्ट प्लेसिड इन हर लुक, बहुत अच्छी दिख रही थी लिजी। लोरा मोस्ट लाइक अ लीपिंग फ्लेम, लेकिन लीपिंग फ्लेम आपने देखे होंगे बुझते हुए दिए, दिया जब बुझने वाला होता है तो कैसे वो उछल उछलता है, लीपिंग फ्लेम देखा होगा आपने, बुझता हुआ दिया हमेशा पहले उछल उछल के पूरा, जब वो रुई जल रही होती है तो वो उछलता है दिया, आपने देखा होगा। उछलना इन द सेंस नहीं डीप से गिर के कहीं उछलेगा वो, नहीं, वो जो फ्लेम होती है वो उछलती है, तो वही है लीपिंग फ्लेम। लोरा को तो ऐसे लग रहा था लीपिंग फ्लेम, उसके अंदर की आग जल रही है, कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं कुछ गलत करने वाली है। और फिर से लिजी मोस्ट प्लेसिड इन लुक, अब लिजी अभी भी शांत थी, वो ऐसा कुछ नहीं था उसके साथ। दे ड्रू दी गर्गलिंग वाटर फ्रॉम इट्स डीप, लिजी प्लग्ड, उन्होंने पानी निकाला, लिजी प्लग्ड पर्पल एंड राइट गोल्डन फ्लैग्स। फ्लैग्स से यहाँ पे मतलब है फ्लावर्स, उन्होंने फ्लावर्स लिए। देन टर्निंग होमवर्ड सेड द सनसेट फ्लशेस दोज फॉर द स्लो ऑफ टीएस फ्रैग्स। अब वो जब वापस घर जाने को कह रही थी, तो घर जाने का जब टाइम हो गया होमवर्ड जाने का, तो सनसेट को देख के कुछ कहती हैं, कम लोरा नॉट अनदर मेडल लेग्स। लेकिन लोरा जो है, लिजी जो है लोरा को कहती है, यार जल्दी चलो अभी कोई भी बाहर नहीं है हम दोनों के अलावा, कोई ऐसी मैडम नहीं है जो छूट गई हो अभी तक, इतनी बाहर पानी ले रही हो। द बीच इन बर्ड्स आर फास्ट असलीप। अब लेकिन लोरा तो अलग ही अपने अंजाम में जी रही है, तो लोरा एग्जाम्पल क्या देती है कि अभी तक तो ये भी नहीं सोए, अभी तक तो ये भी आए नहीं है बीस्ट बर्ड्स, ये भी नहीं सोए अभी तो। बट लोरा लोडेड स्टिल अमंग दे रसीस एंड सेड द ब्रैंक वॉज स्टीप। फिर वो कहती है कि जो है ये जो बैंक है नदी का, जो किनारा है जहाँ से मैं पानी भर रही हूँ, ये बहुत ही स्टीप है, बहुत ही हार्ड चढ़ने को। एक घड़े को लेके, पानी का जो पिचर है उसके जग को लेके और बैंक के ऊपर चढ़ना, क्योंकि नदी जो है होती है, नदी में बीच में पानी होता है और ऊपर होती है, ऊपर जो है थोड़ा मिट्टी होता है, तो मिट्टी में जो चढ़ना आसानी होता, पैर फिसलता है उसमें, अगर आप लोगों ने देखा हो कभी तो पैर फिसलता है उसमें। तो वही कह रही है कि यार मेरे द्वारा जो है इम्पॉसिबल सा लग रहा है, थोड़ा सा स्टीप है, मुश्किल है चढ़ना, ठीक है, बहानेबाजी देख लो, इसकी कहने का मतलब ये है। 228 टू 234 एंड सेट द आर वॉज रियली अर्ली स्टिल द ड्यू नॉट फॉलन द विंड नॉट चिल लिसनिंग एवर बट नॉट कैचिंग द कस्टमरी क्राई कम बाय विद इट्स लेटर जिंगल ऑफ शुगर बैटर्ड बर्ड्स एंड। और फिर ये कहते हैं कि अभी तक तो ये ड्यू भी नहीं गिरी, द विंड नॉट चिल, अभी तो ये भी नहीं चिल हुआ, लिसनिंग एवर बट नॉट कैचिंग द कस्टमरी क्राई। अब जो है इनको आवाज़ सुनने लगती है, कम बाय विद इट्स लेटर जिंगल ऑफ शुगर बैटर्ड बर्ड्स। 235 टू 241 नॉट फॉर ऑल आर वॉचिंग वॉन्स डिसर्निंग इवन द गॉबलिन रेसिंग विस्किंग टम्बलिंग हॉबलिंग लेट अलोन द हर्ड्स। कहने का मतलब ये है कि अब जो है इनको ना रेसिंग करते हुए, विस्किंग करते हुए, टम्बलिंग करते हुए इन गॉबलिन्स की आवाज़ जो है सुनने लगती है। अब इनमें से सिर्फ सुन लिजी को रहा है, लोरा को नहीं सुन रहा। अब लोरा को देखना क्या फैक्ट रहेगा इनका, इन ग्रुप्स और सिंगल और ब्रिस्क फ्रूट मर्चेंट में, तो ऐसे लग रहा है कि ग्रुप्स में आ रहे हैं या फिर सिंगल आ रहे हैं और कोई पीछा कर रहा है, ऐसा लगता है इनको। टिल डिजी हर्ड वो लोरा कम, और फिर लिजी कहती है उसको कि लोरा लोरा जल्दी चलो, मेरे को ना इनकी आवाज़ें सुनने लगी। यू शुड नॉट लोइटर लॉन्गर एट इट्स ग्रुप, तुम्हें इस यहाँ पे ज़्यादा इस किनारे में नहीं रुकना चाहिए, नदी के किनारे में। कम बाय कम विद मी होम, घर चलो, स्टार्स भी अब दिखने लगे हैं, मतलब इतनी ज़्यादा रात हो गई है। ईच ग्लो वॉर्म विंग्स आर स्पार्क, जो ग्लो वॉर्म है, ग्लो वॉर्म आप ऐसे समझ लो रात को जो वो कीड़े होते हैं जो जलते हैं, लाइट क्या बोलते हैं उन्हें, चलो जो भी है ग्लो वॉर्म समझ लो, कि वो भी निकल आए हैं। रात ज़्यादा हो गई है, डार्क हो गई है, क्लाउड्स भी निकल आए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, समर का सीजन है। अगर हमने रास्ते खो दिए, इफ़ वी लॉस्ट आवर वे, तो दिक्कत हो जाएगी। व्हाट वी शुड डू, क्या करेंगे तब हम। कहीं ना कहीं एक व्यवस्था दिखाई गई है कि कैसे जो विमेन्स हैं या फिर विमेन जो होती हैं, कैसे फील, दे डोंट फील सेफ, ठीक है, रात होते ही। ये भी शो किया गया है, मतलब उस टाइम पे विक्टोरियन एज में भी बाहर निकलना दैट वाज नॉट सेफ, कुछ जानवरों के चक्कर में भी आप समझ लो कि मे बी बीस्ट के चक्कर में, या फिर मौसम ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए। और दूसरी चीज़, इस टाइप्स के लोगों के द्वारा जिन्होंने इस टाइप का माहौल बना रखा था कि औरतों का तो निकलना मुश्किल था बाहर, ठीक है। लोरा टर्न क्लोज ए स्टोन, रात को यानी कि मॉर्निंग को भी ऐसा कुछ नहीं था,
आप रात को वहाँ पे इम्पॉसिबल था, मतलब इम्पॉसिबल क्या, रात को निकल जाओ, बट दैट वाज नॉट सेफ, इवन टुडे दैट इज नॉट सेफ टू कम आउट फ्रॉम योर हाउस, ठीक है। लड़की को तो अभी भी मना किया जाता है कई जगह, बट अभी स्टिल सोसाइटी इज चेंजिंग इन इंडिया, सोसाइटी इज चेंजिंग। ओके लेट्स गो एड, कम बाय आवर फ्रूट्स, कम बाय मस्ट सी देन बाय नो मोर सच डेंटी फ्रूट। वो क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कम बाय का नारा लगा रहे हैं, कह लो अभी भी खरीदने, खरीदो खरीदो डेंटी फ्रूट, मस्ट सी नो मोर सच पास्चर, फाइन गोन डिफ एंड ब्लाइंड। अब जो है लोरा को ना इनकी आवाज़ें सुनती ही नहीं है, लोरा जो है इनकी आवाज़, लोरा जो है इनकी आवाज़ों को सुन ही नहीं पाती, और ये और परेशान हो जाती है। ठीक है आ जाते हैं आगे, 262 268। हर ट्री ऑफ लाइफ ड्रूप फ्रॉम द रूट, शी सेड नो, नॉट वन वर्ड इन हर हर्ट सोर एक, बट पियरिंग इन टू दी इन थ्रू द डिमनेस, नॉट डिसर्निंग ट्रग्ड होम, हर पिचर ड्रिपिंग ऑल द वे। देखो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, थोड़ा सा मैं ऐसे ही बेसिकली बता देता हूँ। अब ट्री जो है, हर ट्री ऑफ लाइफ ड्रूप फ्रॉम द रूट, अब जो है ट्री ऑफ लाइफ ड्रूप फ्रॉम द रूट, रूट से जो है, जैसे यहाँ पे मीनिंग बड़ा अच्छा लिया गया है, डिप्रेस व्हेन द सी फाइंड्स दैट सी इज बीन कटिंग ऑफ फ्रॉम द डिलीशियस ड्रग लाइक गोब्लिन फ्रूट, सी देखो यहाँ पे हर ट्री ऑफ लाइफ ड्रॉप फ्रॉम द रूट, सी सेड नॉट वन वर्ड इन हर हर्ट्स सो एक, बट पियरिंग इन टू थ्रू द डिमनेस, नॉट डिसर्निंग ट्रग होम, हर पीछे ड्रिपिंग ऑल द वे। अब जो इसकी कंडीशन है लोरा की, वो ऐसी है जैसे रूट से उसको कंपेयर किया गया कि एक ट्री से, अब ट्री जो है जैसे सूख रही है, ड्रॉप हो रहा है उसके, ड्रूप्ड फ्रॉम द रूट, मतलब वो अब धीरे धीरे गेटिंग ड्रूपी, ठीक है, अपने आप को कमजोर पा रही है अपने आप को। अब तो देखो टेम्पटेशन अगर उसके सामने ही हो रहा है, अब तो मान लो बुला रहा है, गॉब्लिन्स बुला रहे हैं इसे, अब तो ये कंट्रोल ही नहीं कर पा रही, तो ऐसा इसकी कंडीशन ऐसे हो गई है जैसे एक ट्री की तरह जो कि सूख रहा है, ड्रूप हो रहा है, ठीक है। वो कह रही है कि मेरे हर्ट को कोई भी चीज़ नहीं दुखी कर रही जितनी कि ये जो क्राई है ये सुन के, और मैं देख भी नहीं पा रही और मैं सुन भी नहीं पा रही अगर कोई बुला भी रहा है तो, क्योंकि अभी क्राई जो है सिर्फ लिजी को सुनता है। स्टिल लिजी स्लैप्ड देन सेट अप इन माई पैसनेट यर्निंग एंड ग्नैश्ड हर टीथ फॉर वोकल डिजायर एंड वेप्ट एज इफ हर हार्ट वुड ब्रेक। लोरा जो है कंट्रोल नहीं कर पाती, देखो डिजायर जो है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक वर्ड है डिजायर, वोकल डिजायर, मतलब इतनी ज़्यादा डिजायर बढ़ गई है अब लोरा की कि वो ना अब कंट्रोल नहीं कर पा रही अपने आप को, रो रही है रो रही है, रो रो के बुरा हाल है इसका। डे आफ्टर डे, नाइट आफ्टर नाइट, दिन ब दिन, रात बर दिन, रात बदर जो है लोरा जो है कैप्ट वॉचिंग, वॉच इन वेन। देखो यहाँ पे इसको इतनी भी होश खबर नहीं थी कि इसके जो पिक्चर का जो है पानी वो बहता जा रहा था, ड्रिप करके गिरता जा रहा था। सो क्रैप टू बेड, फाइनली वो बेड तक जाती है, लेटती है, लिजी भी लेटती है, लेकिन ये सो नहीं पाती और क्राई क्राई रोने लगती है क्योंकि इसकी डिज़ायर जो है बहुत कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है, ठीक है। डे आफ्टर डे, नाइट आफ्टर नाइट, लोरा जो है निराश होती जाती है, मतलब दिन ब दिन अब जो है निराश होती जाती है, और इन साइलेंस ऑफ एक्सीडिंग पेन, इसके अंदर एक पेन छुपा होता है जो बता भी नहीं पा रही, भले ही तो पता है उसकी सिस्टर को लेकिन बता भी नहीं पा रही। सी नेवर कॉट अगेन द गॉब्लिन क्राई, क्योंकि उसे अब नहीं सुन रहा, सिर्फ उसकी सिस्टर को सुन रहा है ये क्राई, कम बाय, क्योंकि एक बार तो ये सेक्सुअली हेरास्ड हो चुकी है, गोबलिंस की तो पहचान ही ये थी कि एक बार जो हेरास्ड हो चुका है, जो एक बार जिसको उन्होंने चेस्ट से अनचेस्ट कर दिया, उसको दोबारा से वो दोबारा से उनको वो क्राई नहीं सुनना देना सुनाई देना सुनना मतलब उनको ये लगता था कि अब ये तो अनचेस्ट हो चुकी है, तो मेरी क्राई इनके पास तक, उस लेडी के पास नहीं जानी चाहिए दो जो कि अनचेस्ट हो चुकी है। तो गोबलिंस ऐसा, गोबलिंस का ऐसा सीन था कि उनकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंचती थी, फिर एक बार जो अनचेस्ट हो चुके हैं। सी नेवर कॉट अगेन द गॉब्लिन्स क्राई, कम बाय, उसको तो अब सुन ही नहीं रहा था। सी नेवर फाइंड द गॉब्लिन मैन हॉकिंग देयर फ्रूट्स अलोंग द लैंड, बट व्हेन द नून वैक्स ब्राइट, हर हेयर ग्रू थिन एंड ग्रे। अब जो है
उसको तो कभी भी अब ये सुन ही नहीं रही थी आवाज़, बट वैन द नून वैक्स ब्राइट हर हेयर ग्रू थिन एंड ग्रे। अब मतलब जैसे देखो नून का मतलब कि जैसे जैसे नून बढ़ रहा है उसके हेयर जो है ग्रू थिन ग्रे, उसके हेयर जो है पतले होने लगे, ग्रे होने लगे। मतलब क्या है कि सूखती जा रही है, पतली होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है, इतना रोएगी, इतना खून जलाएगी अपना अंदर ही अंदर, पेन लेके चलेगी, तो क्या होगा, टेंशन बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा और अपने आप को वीक कर रही करती जा रही है। तो डेफिनेटली यही बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी ट्विंडल एज दी फेयर फुल मून द टर्न डज है, वैसे ये ठीक है, टू स्वीप डिके एंड बर्न हर फायर अवे। ये खुद ही अंदर अंदर जल रही थी, मैंने बताई दिया सारा। ठीक है, वन डे रिमेम्बरिंग हर कर्नल स्टोन सी सेट इट बाय अ वॉल दैट फेस द साउथ ड्यूटेड विद टीयर्स ऑफ रोट। अब वो उन कर्नल स्टोन को याद करती है कि कैसे उसने फ्रूट को चखा था, बीज को फेंका था, बीज को इकट्ठा करा था और कैसे उसने खोखले को फेंक दिया था बाहर। तो इसे याद करती है, सी सेट इट द वॉल दैट फेस द साउथ ड्यूटेड, अपने आंखों में आंसू ले आती है, होप फॉर अ रूट, वॉच फॉर वैक्सिंग सूट बट देयर कम नन। लेकिन अब कुछ ऐसा होता नहीं है, घर बैठे थोड़ी ना अब कुछ हो जाएगा। वैसे भी गई थी तो क्या लेके गई थी, फूटी कौड़ी, अपने बाल देखे उसने, सिर के जो बाल थे उसने वो देखे उसने, खरीदा था कुछ भी फ्रूट्स जो भी थे। इट नेवर सॉ द सन, इट नेवर फेल्ट द ट्रिकिंग मॉइस्चर रन। मतलब ये अब तो ऐसी कंडीशन में है ना, उसे कुछ पता लग रहा है ना कुछ। वाइल द विद संक आईज एंड फेडेड माउथ, माउथ भी फेड हो चुका है, रंग उड़ चुका है, सी ड्रीम्ड ऑफ मेलन्स एज अ ट्रेवलर सीज। अब जो इसकी इच्छा है वो बढ़ती जा रही है, मेलन चाहिए इसको, डेजर्ट ड्राउट चाहिए। ठीक है, विद शेड ऑफ लीफ क्राउंड ट्रीज एंड बर्न्स द थ्रस्ट ईयर्स इन द सैंडल फुल ब्रिज। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको चाहिए और फाइनली अब इसे मिल नहीं पा रहा, तो ये उदास होती जा रही है। सी सी नो मोर स्वेट स्वेप द हाउस एंड द फॉल्स। अब ये कोई घर का काम भी नहीं करती थी, स्वेप भी नहीं करती थी, किसी को खाना पिलाना कुछ भी नहीं, ना हनी लाना, ना केक आटा वाटा गूंदना, कुछ नहीं, कुछ घर का काम इसने सब कुछ छोड़ देता है, वुड नॉट इट। अब तो फाइनली खाना भी नहीं खाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीजी सॉरी टेंडर लिजी कुड नॉट बियर टू। अब ये अपनी बहन का ये दुख नहीं देख सकती थी, कैंकरस केयर। अब वो अपनी बहन का केयर करना चाहती थी, येट नॉट टू शेयर सी नाइट एंड मॉर्निंग कॉट द गॉब्लिन्स क्राई। उसी तो अब रात को दिन तो सुनता था, लिजी को तो सुनता है लेकिन उसकी बहन को नहीं सुनता था। तो ये क्या सोचती है कि ये सी हर्ड द ट्रैम्पल ऑफ गॉब्लिन मैन दे योक एंस्टर पुअर लोरा कुड नॉट हियर। पुअर लोरा को तो ये सुन ही नहीं रहे थे सब। लॉन्ग टू बाय फ्रूट टू कम्फर्ट हर बट फियर टू पे टू डियर। अब जो है लिजी क्या है कि लिजी तो चाहती थी फ्रूट्स को खरीदना, अपनी बहन को इनको शांत करना, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि उसको भी अपने कीमती बालों को देना पड़े। ठीक है, और कीमती बालों को देने का मतलब ये है कि जैसे लोरा की कंडीशन हो गई एक बार सेक्सुअली हरास्ड होके या फिर एक बार फ्रूट्स चख के, ऐसी कंडीशन मेरी ना हो जाए। लीजी इस बात से भी डर रही है, लेकिन फाइनली उसकी बहन है, उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, खतरा मोलना पड़ेगा, अभी देखना अभी क्या होता है। ठीक है, सी थॉट ऑफ जिनी इन हर ग्रेव। वो अब वो ऐसा लग रहा था वो मरने वाली है, जैसे जिनी मरी थी मतलब ग्रेव में चली गई, तो ऐसी सोचती कि अब मेरी बहन भी जो लोरा भी ऐसे उसके साथ ना हो जाए। वुड हैव बीन अ ब्राइड, हु शुड हैव बीन अ ब्राइड, मतलब जिनी जो एक ब्राइड होने वाली थी, बट हु फॉर जॉयस ब्राइड से होप टू हैव फेल सिक एंड डाइड। लेकिन उसने तो ऐसा कुछ करा कि टेम्प्ट हो गई कि वो बीमार हो गई और मर भी जाती है। इन आर गे प्राइम इन अर्लीस्ट विंटर टाइम, गे प्राइम मतलब जो खुशी के दिन थे तब वो, और विंटर जैसे ही चालू होने वाला था वो क्या है लुढ़क जाती है, मर जाती है, क्योंकि वो टेम्प्ट हो गई थी इन्हीं गोब्लिंस के द्वारा। ठीक है, 322-328 टिल लोरा ट्विंडलिंग सीम्ड नॉकिंग एट देयर डोर। जब लोरा ट्विंडल कर रही होती कि बचेगी कि मरेगी, बचेगी कि मरेगी, उस टाइम पे बेटर एंड वर्स इनके बीच में वो ट्विंडल कर रही होती है, तो लिजी को कुछ सोचता नहीं है। लिजी वेट नो मोर बेटर एंड वर्स, कि क्या अच्छा होगा क्या नहीं। एक सिल्वर पेनी निकालती है अपने पर्स से और सोचती है कि अब तो मेरी बहन को बचाना ही पड़ेगा, कुछ हो जाए। किस लोरा, लोरा को चूमती है, क्रॉस द हैथ विद क्लम्स ऑफ फर्ज, निकलती है वहाँ से फर्ज के बीच से, एट ट्विलाइट हॉल्टेड बाय द ब्रुक, और अंधेरा जैसे होता है वो निकलती है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ बिगिन टू लिसन एंड लुक। पहली बार मजबूरन विवश होके उनकी तरफ देखती है, और टेम्प्ट होने के को ये भी टेम्प्ट हो गई, अभी देखना टेम्प्ट होने की कोशिश की जाएगी गोब्लिन्स के द्वारा कि टेम्प्ट किया जाए इसको, लेकिन होती नहीं है ये, याद रखना। लाफ्ड एवरी गोब्लिन व्हेन दिस। अब देखो ये सारे गोब्लिन्स को तो हंसने का मौका मिल गया कि ये सुनती नहीं थी, फाइनली ये भी आ गई। केम टुवर्ड्स हर गोब्लिन, अब ये उनके पास आते हैं उछल के कूद के, ड्रैपिंग क्रॉविंग, उछल उछल के हंस के मुस्कुरा के उसके पास आते हैं, क्लकिंग गोब्लिन मॉपिंग, ये सारे बताए गए कि कैसे वो उछल उछल के आते हैं,
कुछ कैट वाले, रैटल वाले, स्नेल वाले सब आ जाते हैं उनके पास, ये सारे पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पढ़ लेना प्लीज़, ठीक है? तो वो सारे कोई दिक्कत हो तो बाय द वे पूछ लेना आप मेरे से, फिर भी अभी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, दैट्स वाई आई थिंक ऑलरेडी लंबी हो गई है। हग डर एंड किस डर, स्क्वीज डर एंड क्वेज डर, स्ट्रेच अप देर, सॉरी। तो हग किया उसको, किस किया, स्क्वीज करने लगे, मतलब सेक्सुअली हरास करने लगे, कोशिश जोर जबरदस्ती करने लगे, लुक एट आवर एप्पल्स, तुम हमारे फ्रूट्स की ओर देखो, रस एंड डन, ये सारी चीज़ें देखो, ये सारी चीज़ें बताई गई, पोमेग्रेनेट देखो, फिग्स देखो, सारे फ्रूट्स के नाम बताए गए कि इनकी तरफ देखो तुम, देख क्यों नहीं रही। गुड फॉक्स सेड लिजी, माइंडफुल ऑफ जिनी, गिव मी मच एंड मैनी, हर्ड आउट हर एप्रॉन, टॉस देम हर पेनी। मतलब ये क्या करती है, जिनी का ख्याल आ जाता है कि कैसे जिनी अटैम्प्ट हुई थी, मेरे को ऐसा अटैम्प्ट नहीं होना, तो मेरा मेरा हाल भी जिनी जैसा हो जाएगा, मेरा हाल भी मेरी बहन लोरा जैसा हो जाएगा, तो लोरा के जैसे अगर हो गई मैं तो लोरा को कौन बचाएगा। तो डेफिनेटली सी ट्राइज नॉट टू बी टेम्प्टेड बाय द गोब्लिन मैन, दैट्स व्हाई सी पासिस हर पेनी फ्रॉम हिज पर्स टू दोज गोब्लिंस। ठीक है आगे बढ़ते हैं, थक गया यार, चलो कोई नहीं। 368 to 382, काफ़ी लंबी पोएम है। नहीं टेक अ सीट विद अस, नहीं थोड़ा बैठो ऑनर एंड ईट विद अस, खाओ पियो हमारे साथ, ठीक है? दे आंसर ग्रीनिंग, हंसते हुए, ग्रीन होता है, ग्रीन ग्रीन एक ऐसी स्माइल होती है जिसके अंदर कुछ ना कुछ छिपा होता है, ठीक है? मान लो आपके अंदर बहुत सारी जलन भरी हो किसी के लिए, बट स्टिल एट दैट पॉइंट यू लाफ, दैट इज कॉल्ड ग्रीन, ठीक है? 98 इज अर्ली वॉर्म एंड ड्यू ड्यू अर्ली नाइट, अभी भी थी, ठीक है? वी कैन एन स्टोरी सच फ्रूट्स एज दी नो मैन कैन क्वेरी, हाफ देयर ब्लूम वुड फ्लाई, हाफ देयर ड्यू वुड ड्राई। मतलब कुछ ड्यू जो है वो सूख जाएंगे, ब्लूम वुड फ्लाई, हाफ देयर फ्लेवर्ड वुड पास बाय। और जो ऐसे ये नाइट नाइट है अभी, तो फिलहाल थोड़ी देर बाद ये सूख जाएंगे, कुछ परफ्यूम जो है ख़त्म हो जाएगी, कुछ के जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएंगे, फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए तुम बैठो हमारे साथ, तुम फीस्ट करो हमारे साथ, दावत करो, तुम वेलकम है, तुम्हारा तुम्हारा वेलकम है। थैंक यू सेड लिजी, लिजी कहती है नहीं थैंक यू, बट वन वेट्स एट होम अलोन फॉर मी, मेरे लिए कोई इंतजार कर रहा है, मेरी बहन इंतजार कर रही है, उसकी तबीयत खराब है। सो विदाउट फर्दर डिप परलेइंग इट इफ यू विल नॉट सेल मी एनी ऑफ, मतलब तुम ऐसे मत करो कि बैठाओ मेरे को ये करो, तुम मेरे को, मैंने तुम्हारे ऊपर पैसा फेंका है, तुम मेरे को फ्रूट्स दो, मैं घर लेके जाऊंगी सीधा सीधा, गिव मी बैक माई सिल्वर पेनी, अगर तुम नहीं कर सकती तो मेरा पैसा वापस दे दो मेरे को। 392, 397, दे बिगेन टू स्क्रैच देयर प्लेट्स, नो लॉन्गर वैगिंग पानी। अब इनको गुस्सा आ जाता है, इन गॉबलिन्स को, इन भूतों को कह लो, या फिर इन सेक्सुअली एक्सप्लोइटेटर्स को गुस्सा आ जाता है। अब गुस्सा आ जाएगा तो कुछ भी कर सकते हैं, देखते हैं क्या करते हैं लिजी के साथ। लसिंग देयर ट्रेल्स, दे ट्रॉड एंड हस्टल्ड हर, एल्बोड एंड जोस्टल्ड हर, क्लाउड विद देयर नेल्स, उनको उसके क्लाउ पंजों से उसको हर्ट करने की कोशिश करते हैं लिजी को। बाकिंग म्यूइंग हिसिंग मॉकिंग, उसकी गाउन को भी फाड़ देते हैं, इन द सेंस यू कैन से दैट वो उसको विदाउट क्लोथ कर देते हैं उसको, ठीक है? उसको सेक्सुअली हैरास करने की कोशिश करते हैं, ट्विच्ड हर हेयर आउट ऑफ द रूट्स, आउट बाय द रूट्स, स्टैम्प्ड अपॉन हर टेंडर फीट, हेल्ड हर हैंड्स एंड स्क्वीज देयर फ्रूट्स अगेंस्ट हर माउथ टू मेक हर एट। और क्या करते हैं, मुंह में उसके ठूसते जाते हैं फ्रूट्स ताकि वो खाए, क्योंकि वो तो खाने वाली नहीं थी, उसको पता था कि मैं खाऊंगी, कि मैं भी टेम्प्ट हो जाऊंगी, मैं भी लोरा के जैसी हो जाऊंगी, और फिर मेरे को फ्रूट चाहिए चाहिए वाला सीन हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। व्हाइट एंड गोल्डन लिली स्टूड लाइक अ लिली इन अ फ्लड फ्लड, लाइक अ रॉक ऑफ ब्लू वेन स्टोन लेस बाई टाइड्स ऑफ पर्सली। ओके, व्हाइट एंड गोल्डन लिजी है जो है वो खड़ी होती है, जैसे फ्लूड फ्लड में जो है लिली टाइप में फूल जो है खड़े होते हैं, ऐसे ही भी खड़ी होती है। मतलब कहीं ना कहीं बताया गया है कि वो हिम्मत नहीं हारती, फिर से वो इतना कुछ हो जाने के बाद भी उसके कपड़े वपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उसको हर्ट किया जाता है पंजों से, उसके बाद भी उठती है, हिम्मत नहीं हारती, लाइक अ रॉक ऑफ लाइक अ रॉक लाइक 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 दैट इज कॉल्ड सिमिली। बार बार मैं बता रहा हूँ, नोट करना, लाइक अ बीकॉन लेफ्ट अलोन, कि डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल से बताया गया कि कैसे कैसे वो अपनी हिम्मत को फिर से गदर करती है, खड़ी होती है। सेंडिंग अप गोल्डन फायर लाइक अ फ्रूट क्राउन, ऑरेंज ट्री, वाइट ब्लॉसम्स, हनी स्वीट, तो सारी ये हैं। लाइक अ रॉयल वर्जिन टाउन टॉप विद ग्लिटरिंग टॉम एंड स्पायर, क्लोज बिलगर्ड बाय अ फ्लीट, मैट टूटा घर, स्टैंडर्ड डाउन। वर्जिन टाउन का मतलब है अटैकिंग दी अटैकिंग, मतलब किस टाइप से इसके ऊपर अटैक किया गया, बट स्टिल लाइक अ रॉयल वर्जिन टाउन टॉप, अभी भी वो उस टाउन की, उस वर्जिन टाउन की तरह खड़ी है जिसपे हमले किए गए,
लेकिन अभी भी वो दीवार खड़ी है। आपने अगर होमर इलियाड पढ़ी हो तो दीवार बनाई गई थी, तो मान लो अगर कितनी सैनिक आ जाए, कितने कुछ प्रहार करने की कोशिश करे, वो दीवार नहीं टूट रही। तो यही बताया गया है कि वो मेरा भी जो है ऐसा ही है हाल एक रॉयल वर्जिन टाउन जैसा, कि तुमने कितनी कोशिश करी मेरे को टेम्प्ट करने की, मेरे को मेरे कपड़े वपड़े फाड़े, बट स्टिल आई एम लाइक अ वर्जिन टाउन। अभी भी मेरी चेस्टिटी मेरे अंदर बनी हुई है, ठीक है। वन मे लीड टू अ हॉर्स टू वाटर एट विटली कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक, मतलब एक घोड़े को कोई पानी तक ले जा सकता है, लेकिन जब तक घोड़े को प्यास नहीं लगेगी उसको पानी पिला नहीं सकता। जिद तो जिद है घोड़े की, उसी टाइप से मैं भी हूँ, मेरी जिद तो जिद है। अगर मैं नहीं पीना चाहती तो मैं पीऊँगी नहीं तुम्हारे फ्रूट्स के जूस को, नहीं तो मैं भी टेम्प्ट हो जाऊँगी। ये बता रही है, ओ स्टैंड फॉट हर बुलेट एंड बिसोट हर स्क्रैच हर पिंच हर, उसको ऐसे ऐसे करते हैं, पिंच करते हैं, किक करते हैं, नॉक करते हैं, मॉल करते हैं, मुलस्त करते हैं। लिजी अटर नॉट अ वर्ड, वो उनको कुछ भी नहीं बोलती। उनको पता है कि अगर वो मे भी कुछ ज़्यादा कुछ कहेगी तो गॉबलिन्स ज़्यादा संख्या में है, हो सकता है प्रॉब्लम खड़ी हो जाए इसके लिए। वुड नॉट ओपन लिप फ्रॉम लिप, लेकिन इसका ये था कि वो एक वर्ड भी नहीं बोलेगी, अपना मुंह भी नहीं खोलेगी, बट लेस दे शुड क्रैम अ माउथफुल इन। वो कोशिश कर रहे थे गॉबलिन्स की इसके मुंह में कहीं ना कहीं एक बूंद भी अगर फ्रूट की जूस चली जाए, लेकिन ऐसा कर नहीं पाती, बट लार्ड नॉट टू फिल द ड्रिंक। अब मन ही मन में हंस रही थी, क्योंकि अगर मुंह खोलती तो जूस तो अंदर चला जाता, तो मन ही मन में हंस रही थी, ठीक है। और फाइनली जो जूस है उसके पूरे बर्तन पे फैल जाता है, नेक पे फैल जाता है, क्वैक लाइक कर्ड, ऐसे लग रहा था फैल रहा था जैसे कर्ड हो, दही हो। एट लास्ट द इविल पीपल वन आउट बाय हर रेजिस्टेंस, अब जो ये लोग होते हैं, ये जो गॉब्लिन्स होते हैं, जब ये रेजिस्टेंस से परेशान हो जाते हैं कि यार मैं तो पिला ही नहीं पा रहा हूँ इसको, तो फाइनली क्या करते हैं, उसके पैसे को फेंक देते हैं इसके ऊपर, अलॉन्ग विच एवर रोड दे टुक नॉट लिविंग रूट और स्टोन, और वापस ये खींचते हुए चिल्लाते हुए गालियाँ देते हुए चले जाते हैं। सम विदर्ड इनटू द ग्राउंड, कुछ ग्राउंड विदर हो जाते हैं, घुस जाते हैं। सम डाइव इनटू द ब्रोक, कुछ नदी में तैरे तैर जाते हैं, मतलब डूब डाइव कर लेने लगते हैं। विदरिंग एंड रिपल, सम स्क्रॉडेड ऑन द गेल विदाउट अ साउंड, सम वैनिश्ड इन द डिस्टेंस, कुछ गायब हो जाते हैं, ठीक है। 447 टू 454 इन अ स्मॉट, एक थिंगल लेजी वेंट हर अवे, न्यू नॉट वॉज इट नाइट और डे, अब उसे ये नहीं पता था कि रात हो रही है कि दिन। वो अपना रास्ता देखते हुए वापस घर जाती है। स्प्रेंग अप द बैंक थ्रू टो थ्रू द फर्स थ्रेडन कॉक्स एंड डिंगल एंड हर्ड हर पैनी जिंगल बाउंसिंग इन अ पर्स। अब वो क्या कर रही है, जब वो वापस जा रही है तो उसके जो पर्स में जो अभी भी पैनी थी, जो अभी भी पैसा था, वो झनक झनक की आवाज़ कर रहा था, और फाइनली वो घर जाती है खुशी खुशी। बाय द वे खुशी इसलिए है कि वो अभी वो उसको टेम्प्ट नहीं कर पाए वो गॉब्लिन्स, क्योंकि उसके अंदर एक विश्वास था कि जब तक मैं चिस्ट रहना चाहती हूँ, अगर मैं चिस्ट हूँ, अगर मैं पवित्र हूँ, तो मुझे कोई अपवित्र नहीं कर सकता। इफ़ आई एम प्योर नो वन कैन मेक मी इम्प्योर, ठीक है। 455 टू 463 सी रैन एंड रैन इफ सी हर्ड, अब वो दौड़ने लगी, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पीछा कर रहा है, कोई डॉग डर विद गाय वर्कर्स और समथिंग वर्स, ऐसा लग रहा था उसे कि कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा था, इसलिए वो भागती है। बट नॉट वन गॉबलिन स्कर्ड आफ्टर नॉट वॉज द सी प्रिक बाई फियर, कोई पीछा नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, लेकिन वो घर जाती है, भागती है। द काइंड हर्ट मेड हर विंडी फेस्ड, वो जल्दी से भागती है। सी अर्ग्ड एंड ठीक है, घर जाती है। सी अर्ग्ड हर होम क्वाइट आउट ऑफ ब्रेथ विद हेस्ट एंड इन वर्ड लाफ्टर, वो सांस हाँफते हुए घर को अंदर एंट्री मारती है, और उसके बाद इनवर्ड लाफ्टर, और इसके बाद जो है घर में खूब हंसती है फिर, ठीक है, उनके बिहेवियर पे, या फिर कह लो कि वो खिला नहीं पाई, उसे पिला नहीं पाई दूध, दूध कह रहा हूँ सॉरी, फ्रूट जूस जो उसे खिला नहीं पाई, ठीक है, पिला नहीं पाई। सी क्राइड लोरा ऑफ द गार्डन, वो डिड यू मिस मी, तो वो पूछती है क्या तुमने मेरे को मिस किया। लिजी लोरा को कहती है, लिजी कि क्या तुमने मेरे को मिस किया, क्योंकि मैं तो गोबलिंस के पास थी। तो लोरा, अब लोरा को क्या कहती है वो, लिजी कम आओ आओ, मेरे को किस करो, मेरे को नेवर माइंड ब्रिसिस, हग मी, किस मी, सक माई जूसेस, और जो जूस लगे पड़े हैं मेरी बॉडी में उसको चूसो, उसे लिक करो, चाटो, स्क्वीज फ्रॉम गोबलिन फ्रूट्स फॉर यू, और मैं वो ये सारे जो जूस हैं वो वहाँ से लेके आई हूँ, क्योंकि इसकी बहन को तो जूस चाहिए था। वो फाइनली उन्होंने तो दिया नहीं इसको, इसने तो पैसे भी दिए थे लिजी ने, लेकिन उसको पैसे के बदले भी इसको जूस नहीं मिला, तो उसके ऊपर जो बॉडी के ऊपर ही जूस लगे थे वो उसी को पिलाना कहती कि चाट के तुम अपने अंदर की संतुष्टि करो। लोरा मेक मच ऑफ मी और यू से आई हैव ब्रेव द लैंड एंड हैड टू डू विद गॉब्लिन मर्चेंटमैन, तो लोरा कहती है उसके, अब उसकी जो सेंस है ठिकाने आ जाती है। फाइनली वो लिक करती है अभी भी, ठीक है, लेकिन उसके अंदर की जो टेम्पटेशन थी दोबारा जूस पानी की, दोबारा जूस को टेस्ट करने की, वो पूरी हो जाती है,
एट दिस पॉइंट स्टिल अब उसको जो है उसकी जो माइंड सेट है वो बदल जाता है, उसको लगता है यार मेरी बहन ने मेरे लिए जान को खतरे में डाल के ये लेके आई है जूस मेरे लिए, दैट इज क्वाइट वेरी मच इंटरेस्टिंग सिस्टरली लव पूरा पूरा सो रहा है। ठीक है, भले ही यहाँ पे एरोटिक दिखाया गया हो थोड़ा सा कि लिक कर रही है, होमोसेक्सुअली वाला काम हो रहा है, चाट रहे हैं एक दूसरे को, दैट्स वाई डजेंट मीन दैट एक्चुअली दे आर शोइंग होमोसेक्सुअलिटी, बट स्टिल यू कैन से दैट यस यस दिस इज एक्चुअली सिस्टरली लव। ठीक है, 475 to 484, Laura started from a chair, flung her arms up in the air, clutched her hair. उसके हेयर को पकड़ती है, लिजी लिजी हैव यू टेस्टेड, क्या तुमने टेस्ट किया, थोरमाइस इज द फ्रूट फॉरबिडन। देखो फॉरबिडन फ्रूट क्रिश्चियनिटी बाइबल याद करो, एडम एंड ईव याद करो, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे एडम एंड ईव ने फॉरबिडन फ्रूट खा लिया था और फिर इनको हिवन से बाहर निकाल दिया गया था, तो कैसे फिर से जीसस क्राइस्ट बलिदान देके रिडेम्पशन इनको दिलवाते हैं। ठीक है, तो वो वाला यह लिया गया है, तो कैसे यहाँ से लिजी ने भी यही काम करा है, अपनी बहन को रिडेम्पशन इसी ने दिलवाया, अपने प्राणों को हथेली पे रखे, ठीक है, अपनी जान को हथेली पे रखे, रन इन माई एंड इन माई रुइन थर्स्टी खेकर्ड गॉब्लिन रिडन, तुम वहाँ तक गए। ठीक है, सी डजंट वॉन्ट टू ड्रैग लिजी डाउन विद हर, उसे खोना नहीं चाहती अभी तक, वो अभी तक लिख कर रही है, सी क्लग अबाउट हर सिस्टर किस्ड एंड किस्ड एंड किस्ड हर टीयर्स वन अगेन, अभी भी किस कर रही है, चाट रही है वो, ठीक है, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में आंसू हैं, फ्रेश फ्रेश श्रंकन आई से ड्रॉपिंग लाइक रेन। अभी जो वो वीक हो गई थी लोरा, जो कमज़ोर हो गई थी, अब फाइनली वो अपने आप को अच्छा महसूस कर रही है, रिफ्रेशन महसूस कर रही है, सेकंड विद अगेंस्ट फियर एंड पेन सी किस्ड एंड किस हर विद अ हंग्री माउथ, तो है वो उसे हग करती है, किस करती है, सी लिप्स बिगिन टू स्कॉच दैट वाई दैट जूस वॉज वॉर्म वुड टू हर टंग, और वो जूस जो है उसे बहुत अच्छा लगता है, सी लॉज द फीस्ट, उसने जो वंसन सॉरी उसने इसका इस दावत ही समझ लो, उसके लिए तो दावत ही था, इसमें मजा उठाया उसने, ब्रीथिंग एज वन पोजेस ही लिव्ड एंड सांग रैंड ऑल हर रॉब एंड रंग हर हैंड्स इन लेमेंटेबल हीस्ट एंड बीट हर ब्रेस्ट। अब वो क्या करती है, खुशी से जंप करती है, क्राई करती है, टेयर करती है, जनरली फ्रीकिंग आउट। ठीक है, 500 to 506, एटलीस्ट वी आर एट द एंड ऑफ दिस पोएम, लेट्स गो अहेड, अ लॉन्ग स्ट्रीम लाइक द टॉर्च born by a racer at full speed or like the mane of horse in his flight or like an eagle when straight towards the sun like a kegel then feet or like a। अब जो है हेयर है वो स्ट्रीमिंग ऐसे लहरा रहा है, ऐसे जैसे कि एक रेसर फुल स्पीड में हो, ऐसे जैसे कि एक घोड़े के जो बाल होते हैं मेन होता है बाल, उस जैसे हैं वो, लाइक एन ईगल व्हेन सी स्टेम से लाइट, या फिर एक ईगल के जैसे जो कि स्टेम जो कि सन की तरफ भाग रही है, ऐसे ऐसे लग रही है ये जो सूरज को देख रहा है ऐसा ईगल। देखो ईगल क्या करता है, सन को जब देखता है तो उसी तरफ जाने की कोशिश करता है, उस टाइम से कह उसी टाइप से कहा गया है कि अब जो है वो रिफ्रेश हो गई है और इस टाइप से जो है वो अपने आप को रिफ्रेश कर रही है, अपने आप को रीगेन कर रही है एनर्जी सारा। ठीक है, 507 to 5.2, स्विफ्ट फायर स्प्रेड थ्रू अर विंग्स, फिर से वो जो है रिफ्रेश हो जाती है, फिर से उसके अंदर जो है विंग्स में जान आ जाती है, उसके हार्ट जो है नॉक डेट हर्ट मेड द फायर स्मोल्डरिंग देयर एंड ओवर बोर इट्स लेसर फ्लेम विदाउट अ नेम अ फूल टू चूज सच अ पार्ट ऑफ। अब वो अपने आप को थोड़ा सा कोसती भी है कि कैसे उसने फॉरबिडन फ्रूट सॉरी गॉब्लिन के फ्रूट्स को खाया जो कि खाने नहीं चाहिए थे, अ फूल अपने आप को फूल कहती है एक बार, टू चूज सच पार्ट कि कैसे मैंने वो सब चुना, ठीक है, और कैसे मेरी बहन ने मेरे को बचाया। 513 to 523, सेंस फील्ड इन द इमॉर्टल स्ट्राइफ लाइक द वॉच्ड ओवर फॉर टाउन विद द, ठीक है, तो ये पढ़ लेना आप, मैं डायरेक्ट मीनिंग बता देता हूँ। देखो मॉर्टल स्ट्राइफ का मतलब है इज अ स्ट्रगल फॉर लाइफ, वो जो फेल हो गई इसकी सेंस जो, देखो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या बताया गया, स्ट्रगल फॉर लाइफ, उसने अपनी लाइफ की जो इस स्ट्रगल को देखा कैसे वो टेम्प्ट हो गई, लोरा जो है ना अभी सारी चीज़ें फील कर रही है कैसे वो टेम्प्ट हो गई, उसने इस लाइफ के स्ट्रगल को देखा कैसे वो लड़ी इन चीज़ों से, लाइक द वॉच टावर ऑफ अ टाउन विच एन अर्थक्वेक सेटल्स डाउन, और वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रही थी कि यार एक टाउन जो होता है वॉच टावर होता है, जैसे एक टाउन में वॉच टावर देखा होगा आपने,
मान लो दूर से कितने जहाज आ रही हैं ये सब कुछ देखने के लिए वॉच टावर टाइप का होता है। तो उसी टाइप से टाउन में भी वॉच टावर्स होते थे कि बाहर से कौन आ रहा है ठीक है उसको देखने के लिए। तो वो कह रहा है उसी टाइप से ही था जिसको अर्थक्वेक ने आके चूर कर दिया। तो मैं भी ऐसे ही थी और मेरे को भी ऐसे ही गॉब्लिन्स की जो है टेम्पटेशंस ने मेरे को सैडर कर दिया अंदर से, मेरे को वीक कर दिया, मेरे को हेल्थ भी मेरी डिक्लाइन होगी कहीं ना कहीं। अपने आप को कोस रही है लाइक अ लाइटनिंग स्ट्राइकिंग मास्ट लाइक अ विंड अपरूटेड ट्री। और ऐसे है कि ऐसा लग रहा है मेरे को कि जो मैं कैसे हो गई थी एक ट्री जो कि अपरूट जिसे जड़ से बाहर फेंक दिया गया था जो कि सूखने के लिए जिसे छोड़ दिया गया था। ये सारी चीज़ें अपने आप को कंप्लीट सॉरी कंपेयर कर रही है अपने पास से एंड एंग्विश पास्ट इट्स डेथ और इट्स लाइफ। तो अपने आप पास्ट को कंपेयर करके कह रही है कि यार ये क्या मेरा ये क्या ये मेरा लाइफ था कि डेथ थी कि मेरे को लाइफ मिली, ये डेथ थी या लाइफ थी। अगर मैं टेम्पटेशन टेम्प्ट हो रही थी मैं उन चीज़ों से तो क्या ये मेरी लाइफ थी कि ये मेरी डेथ थी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। लाइफ आउट ऑफ डेथ दैट नाइट लॉन्ग लीजी वॉच बाय हर काउंटेड हर पल्स फ्लैगिंग स्टर फेल्ड बाय हर ब्रेथ हेल्ड वाटर टू हर लिप्स एंड कूल्ड हर फेस विथ रिएशन। द फर्स्ट लाइन्स ऑफ दिस स्ट्रेंज आंसर द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द प्रीवियस वंस इट्स नॉट लाइट और डेथ। अभी जो मैं कह रहा था ना कि ये लाइफ है कि डेथ है जो मैं वहाँ पे टेम्प्ट हो गई थी, तो कह रहे इट्स लाइफ आउट ऑफ डेथ, ये ऐसी लाइफ थी जो आउट ऑफ डेथ डेथ से भी बाहर निकल गई थी सी और दैट्स लेस कन्फ्यूजिंग। ठीक है तो मतलब लगभग जो है डेथ के करीब पहुँच गई थी मैं। ठीक है अब लिजी जो है बाहर रहती है पूरा, क्या अभी भी लोरा जो है पूरी तरीके से वीकनेस एक दिन में दूर नहीं हो जाती, तो अभी भी वो दूर नहीं हुई थी तो अभी भी उसकी केयर कर रही थी हेल्ड वाटर टू हर लिप्स। वो क्या कर रही थी पानी ला रही थी इसको पानी पिला रही थी उसके चेहरे को बार बार ठंडा कर रही थी साफ कर रही थी उसके टीयर्स को और बार बार जो है उसको फैन कर रही थी हाथ से हाथ वाला पंखा होता है ना उसको फैन कर रही थी। ठीक है बट वेन द फर्स्ट बर्ड चिप डाउन अबाउट देयर ईव्स एंड अर्ली रिपर्स फ्लोटेड टू द प्लेस ऑफ गोल्डन सीव्स एंड ड्यू वेट ग्रास। मतलब ये सारी कह रही है जैसे फिर से रिफ्रेश होती है सारी चीज़ें नेचर में भी बोर्ड इन द मॉर्निंग विंड्स टू सो ब्रिक टू पास बर्ड्स चिरचिराने लगते हैं न्यू कलियाँ खिलती हैं मतलब बर्ड्स खिलते हैं ओपन अप कप टिप्स लाइक ऑन द स्ट्रीम लोरा वोक। लोरा फिर से जागती है अगले दिन इसी ताजगी के साथ लफ्ट इन द इनोसेंट ओल्ड वे पुरानी तरीके से ही फिर से हंसती है। लिजी को हग करती है दो बार तीन बार बाहर देखती है थ्रेड ऑफ ग्रे हर ब्रेथ वॉज स्वीट एज मे एंड लाइट डांस एंड डिनर। फिर से उसकी जो है तरोताजगी महसूस होती है जो वीक हो गए थे उसके बाल जो पतले हो गए थे जो ग्रे हो गए थे फिर से वो रिफ्रेश हो जाते हैं। ठीक है 543 to 547 डेज वीक्स मंथ्स ईयर्स आफ्टरवर्ड्स। अब जब महीने साल दिन सालों बीत जाते हैं तो उसके बाद ये जो है दोनों वाइफ्स होती हैं, वाइफ मतलब इनकी मे भी शादी हो गई होती है एक। ठीक है उनके बच्चे भी होते हैं। देयर मदर हर्ट्स बिसाइड विद फियर्स द लाइफ इज बाउंड अप इन टेंडर लाइफ्स। और जो है अब ये जो अब तो माँ बन गई है, अब तो माँ बन गई है तो अब अपने बच्चों की फिक्र हो रही है कि यार ये भी कभी ना कभी बड़े होंगे और इनकी भी इनको चिंता सताती है। ठीक है लोरा वुड कॉल द लिटिल वंस एंड टेल देम ऑफ आवर अर्ली क्राइम। और लोरा क्या करेगी अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताएगी कैसे वो इन विकेट चीज़ों में फंस गई थी मर्चेंट मैन की क्राइस में और कैसे एक बहन की प्यार ने उसे बचाया था कैसे उसे गली में स्वीट हनी बोल के कैसे पॉइजन डाला गया था पॉइजन पिलाया गया था उसे कैसे उसकी बहन ने उसको इस चीज़ से आज़ादी दिलवाई। ठीक है एंड विन द फेयरी एंटीडॉट कैसे उसकी बहन ने आज़ादी दिलवाई कैसे उसको आजाद करा। ठीक है देन जॉइनिंग हैंड्स टू लिटिल हैंड्स वुड बिट देम क्लिंग टुगेदर फॉर देर इज नो फ्रेंड लाइक अस। तो फिर बताएगी अपने बच्चों को कि कैसे एक बहन के अलावा कोई भी एक अच्छा दोस्त नहीं हो सकता है। इन काम और स्टॉर्मी वेदर टू चीयर वन द टीडियस वे टू फैच वन ऑफ फ्री टू लिव वन इफ वन टोटस डाउन टू स्ट्रेंथ एंड वेलस्ट वन स्टैंड। कह रही है अपने बच्चों को बताएगी ऐसा मोरल कि कैसे एक बहन का प्यार बहुत ही पवित्र प्यार होता है। ठीक है और कैसे पवित्रता को जो है कैसे चेस्टिटी को ठेस पहुंचाया गया बाय दी गोबलिंस। ठीक है और कैसे एक बहन ने फिर से उस चीज़ को रिस्टोर किया अपनी बहन की हेल्प करी तो अपने बच्चों को ऐसा मॉरल वो बताएगी ये सारी चीज़ें। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी ये पोएम सॉरी ये पोएम अच्छी लगी होगी। यार मेरी पूरी कोशिश थी समझाने की स्टिल आई नो दैट कुछ खामियां तो रही होंगी वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई कुछ खामियां भी होंगी।
ठीक है, आशा है कि यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। स्टिल कोई डाउट रह गया तो यार आप कमेंट करके मेरे से पूछना, ठीक है, कमेंट करके पूछना। बाय द वे स्टिल एक बार मैं याद दिला दूं, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यूट्यूब पे, लिटरेरी माइंड रेड कलर का आइकन आ रहा होगा राइट हैंड साइड में नीचे, सब्सक्राइब कर दो यार। वीडियो देख के ऐसे ही छोड़ के मत जाया करो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और इसके में मेन थीम्स क्या उभर के आ रही है ये नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, तो प्लीज़ डोंट मिस दैट वीडियो ऑल्सो, क्योंकि इतनी बड़ी पोएम के बाद थोड़ा बहुत तो आपको पता होना चाहिए थीम्स वगैरह क्या हैं जो मेन उभर के आ रही हैं, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को, इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थीम्स को लेके गोब्लिन मार्केट में क्या थीम्स हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, इन सभी को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, ऑलरेडी आई एम टायर्ड ऑफ दिस पोएम डिस्कसिंग विद यू गाइस, बट आप लोग ही हो जो हिम्मत देते हो मेरे को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।